हाय एवरीवन, इस वीडियो में वोकैबुलरी का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि सिनोनिम्स है। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप महाराष्ट्र सीईटी एमबीए का एग्जाम दे रहे हो या सीईटी पीजी एमबीए का दे रहे हो। चलिए बारी बारी से सारे वर्ड्स को देखते हैं। हमारे पास जो पहला वर्ड है वो है इंट्रेपिड। इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है? फियरलेस, जो कि डरता ना हो। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास है वो एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? रिमूव और रिपील अ लॉ, राइट और फॉर्मल एग्रीमेंट। राइट, तो इसके लिए सही वर्ड है वो रिपील है। राइट, फिर है डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट देना। कोविनेंट, कोविनेंट मतलब आप एग्रीमेंट कह सकते हो या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एग्री बाय लीज, डीड और अदर लीगल कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरीके का लीगल कॉन्ट्रैक्ट अगर आप करते हो तो वो कोविनेंट है। राइट, लीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? आप उसको एनफोर्स कर सकते हो। राइट, चलिए आगे चलते हैं। फिर है ऑब्नॉक्सियस। ऑब्नॉक्सियस मतलब बहुत ही ज्यादा दुखद होना या एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट, के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो डिस्गस्टिंग। ओके, आगे देखते हैं। फिर है हमारे पास प्रोलिफिरेट। प्रोलिफिरेट मतलब काफी तेजी से बढ़ना। राइट, इंक्रीज रैपिडली इन नंबर। देन वी हैव पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? एक ऐसा कंट्राडिक्टरी सिचुएशन होता है जिसमें आप काफी कंफ्यूज हो जाते हो। राइट, इसका करेक्ट वर्ड क्या कर सकते हो? पजल। फिर है कोलोसल। कोलोसल का नाम से ही लग रहा है। कोलोसल कहां से आया? कोलोसियंस। राइट, काफी बड़ा और विशाल लगने वाला, या इसके लिए क्या सही वर्ड है? इनॉर्मस। फिर है इंसेप्शन। इंसेप्शन एक काफी फेमस मूवी भी है। इंसेप्शन मतलब होता है बिगनिंग। राइट, किसी भी चीज का आप स्टार्ट कर रहे हो, इसके लिए सही बढ़ गया है ओरिजिन। फिर हमारे पास ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर मतलब काफी बड़ा, मैग्निफिसेंस, स्प्लेंडर एंड इंप्रेसिवनेस, काफी विशाल स्तर पे जो कि इंप्रेसिव लगे। फिर है ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब है ऐसा पर्सन जो ट्रेवल करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे फुट से ही। ठीक है, जनरली वो काम की तलाश में जाता है। राइट, अगर इंडिया में आपको तो उसको क्या हम लोग कहते हैं? बंजारा या घुमंतू टाइप। राइट, इसके लिए सही वर्ड क्या है? वांडर्ड। ओके, नेक्स्ट वी हैव कंसाइनी। द पर्सन और कंपनी टू हुम गुड्स और डॉक्यूमेंट्स आर ऑफिशियली सेंट और डिलीवर्ड। कंसाइनी अगर आप इंडिया पोस्ट का यूज करते हो तो बेसिकली वो पर्सन जिसको आपने भेजा है सामान। राइट, या जिसको आप डिलीवर कर रहे हो। इसके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हो आप, नॉमिनी। फिर है इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन काफी फेमस वर्ड है। राइट, जनरली क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड पैशन होता है, या किसी चीज के लिए तारीफ या किसी चीज को पसंद करना, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर पाता, इसको कहते हैं इन्फैचुएशन। इसी के लिए सही वर्ड क्या होगा? पैशन। नेक्स्ट भी है ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल तो आपको पता ही, इसका क्या होगा? हैंडसम आप कह सकते हो। मोमेंटस। मोमेंटस मतलब काफी एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस वाला कोई इवेंट, अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंस। राइट, इसके लिए आप वर्ड कर सकते हो इंपॉर्टेंट। क्विवर। क्विवर मतलब होता है ट्रेम्बल और शेक विद स्लाइट रैपिड मोशन, अ स्लाइट ट्रेम्बलिंग मूवमेंट ऑफ साउंड, स्पेशली वन कॉज्ड बाय सडन स्ट्रॉन्ग मोशन। ओके, तो इसके लिए सही वर्ड क्या है? ट्रेम्बल। राइट, तो जनरली लोग जब कांपते हैं तो कांपने वाली आवाज भी चेंज हो जाती है। राइट, तो उसको आप कह सकते हो क्विवर का। फिर एडुलेशन। एडुलेशन मतलब क्या होता है? फ्लैटरी, या किसी की बहुत ज्यादा तारीफ करना। राइट, एक्सेसिव एडमिरेशन और प्रेज। नेक्स्ट वी हैव कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन मीन्स बेसिकली आप किसी चीज पे बहुत ही ज्यादा ध्यान लगा के सोच रहे हो। तो सही वर्ड क्या हो सकता है? मेडिटेशन। डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब होता है बहुत ही ध्यान से कोई काम करना। राइट, हैविंग और शोइंग केयर, किसी भी काम या ड्यूटी करो तो काफी अच्छे से करो, इसके लिए सही वर्ड क्या होगा? इंडस्ट्रियस। ये यहाँ पे एस भी होगा, इंडस्ट्रियस। राइट, देन वी हैव सेंसर। सेंसर मीन्स किसी की आप निंदा कर रहे हो। राइट, एक्सप्रेस सेवरल डिसअप्रूवल ऑफ समवन समथिंग, स्पेशली इन अ फॉर्मल स्टेटमेंट, इसके लिए आप कर सकते हो क्रिटिसाइज। जनरली क्या होता है? फॉर्मल सेटअप में होता है। सो फॉर एग्जांपल इन ऑफिस, इन वर्क प्लेस, यहाँ आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो ऑफिशियल। फैटल। फैटल मतलब घातक, इसके लिए सही वर्ड हो सकता है डेडली। नेक्स्ट भी अब डोलफुल। डोलफुल मीन्स एक्सप्रेसिंग सॉरो। नेक्स्ट भी अब ग्रफ। ग्रफ मीन्स रफ एंड लो इन पिच। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट भी अब फिडेलिटी। फिडेलिटी मीन्स फेथफुलनेस। राइट, तो लॉयल्टी कह सकते हो। इनफ्रक्चुअस। इनफ्रक्चुअस मीन्स फ्रूटलेस, बेसिकली किसी काम का नहीं। राइट, जिससे आपको कोई फायदा है ना हो, तो कैसे हो? इनफ्रक्चुअस। देन वी हैव गार्निश। गार्निश मीन्स आप डेकोरेट कर रहे हो, जनरली फूड के सेंस में होता है ना। आपने देखा होगा एक कोई, अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो कोई फूड आपको सर्व किया जाता है, उसके ऊपर वो जनरली गार्निश करते हैं, किससे? कोरिएंडर लीव्स, या कोई ऊपर से अनियन डाल देंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो एडॉन। नेक्स्ट वी हैव मेंटर। मेंटर क्या होता है? एक एक्सपीरियंस और ट्रस्टेड एडवाइजर होता है, इसको हम लोग गाइड भी कहते हैं। राइट, नेक्स्ट वी हैव सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस मतलब एक ऐसा बिलीफ जिसका कि कोई साइंटिफिक बेसिस ना हो। राइट, बहुत सारे अंधविश्वास टाइप के होते हैं ना,
इसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हो, इरेशनल, राइट, इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ना हो। नेक्स्ट वी हैव रैबेज। रैबेज मीन्स किसी भी चीज को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाना, सो आप डेमोलिश का वर्ड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अब वी हैव सक्सेसिव। सक्सेसिव मीन्स लगातार, राइट, तो कंसेक्यूटिव। एब्रोगेट, रिपील, इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो एबोलिश। डीलिनिएट, डीलिनिएट मीन्स किसी चीज को आप डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है, इन डिटेल, तो इसका हो जाएगा एक्सप्लेन। मेनेस, मेनेस मीन्स एक ऐसा चीज जो आपको श्योर है कि आपको हार्म पहुंचाएगा, ठीक है, श्योर तो नहीं है लेकिन वो आपको हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है, दैट इज लाइकली टू कॉज हार्म और थ्रेट और डेंजर, तो इसको आप कहोगे थ्रेट, राइट, थ्रेट सही वर्ड है इसके लिए। ओकल्ट, ओकल्ट एक काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओकल्ट मतलब होता है मिस्टिकल या सुपर नेचुरल टाइप का कोई भी पावर या प्रैक्टिस होना, राइट, तो कहते हैं सुपर नेचुरल। विंडिकेट, विंडिकेट मीन्स किसी को आप कह सकते हो, आप जैसे किसी पे आरोप लगा था, ठीक, आपने उसको बरी कर दिया, ठीक है, तो आरोप मुक्त करना आप कह सकते हो। जस्टिफाई एक सही वर्ड हो सकता है इसके लिए। नेक्स्ट अप भी है बेनेवोलेंस। बेनेवोलेंस मीन्स किसी के प्रति उदारता, राइट, इसको कह सकते हो काइंडनेस। ओके, नेक्स्ट अप भी है पेनेकिया। पेनेकिया मीन्स कोई ऐसा इलाज है जो सब पे काम करता हो, राइट, तो इसके लिए जनरली हम लोग तो क्या वर्ड यूज करते हैं हिंदी में, रामबाण, राइट, रामबाण इलाज। प्रूडेंट, प्रूडेंट मीन्स मतलब होता है जो समझदार हो, ठीक है, जो आगे आगे के बारे में सोच ही चलता हो, राइट। एक्टिंग विद और शोइंग केयर एंड द थॉट फॉर द फ्यूचर, इसको कह सकते हो कॉसेस। एमिकेबल, एमिकेबल मतलब होता है फ्रेंडली, राइट। इररेवरेंस, इररेवरेंस मतलब किसी के प्रति आप बिल्कुल ही रेस्पेक्ट नहीं है आपके मन में, तो इसको आप कह सकते हो डिसरिस्पेक्ट, राइट। सेरेमोनियल, सेरेमोनियल मीन्स आप क्या करते हो, एक फॉर्मल फॉर्मल तरीके से किसी को आप पावर दे रहे हो, या कह सकते हो जनरली पावर देने के सेंस में होता, लेने के सेंस में होता, ठीक है। प्रोपिटिएट, प्रोपिशिएट ऐसे कह सकते हो आप इसको, बीन और रिगेन द फेवर ऑफ अ गॉड बाय डूइंग समथिंग दैट प्लीजेस देम, तो अपीज, बेसिकली पूजा पाठ के सेंस में हो गया एक तरह से। कैपिटुलेट, कैपिटुलेट मीन्स सीज टू रेजिस्ट एन अपोनेंट और एन अनवेलकम डिमांड, यील्ड, सरेंडर का, तो बेसिकली आपने सरेंडर कर दिया कहीं, ठीक है, आपने हार मान ली अपने अपोनेंट के सामने, तो वो हो गया कैपिटुलेट। नेक्स्ट अब वी हैव एस्ट्रेंज्ड, एस्ट्रेंज्ड मींस सेपरेट हो जाना, ठीक है, आप दोनों अब साथ में नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल कोई हस्बैंड और वाइफ है, आप दोनों अलग अलग रहते हैं, तो उसको आप कह सकते हो एस्ट्रेंज्ड। एरनेसली, एरनेसली मीन्स इन अ रॉन्ग वे, राइट, तो इसको आप रॉन्गली कह सकते हो। रेस्टिव, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसमें कहा था ना बेचैन टाइप का महसूस करना, राइट, अनेबल टू रिमेन स्टिल साइलेंट, ये हो जाएगा रेस्टलेस। नोमैडिक, नोमैडिक मीन्स वही अगेन बंजारा टाइप का, वांडरिंग हो गया। डेरोगेटरी, डेरोगेटरी क्या होगा, मतलब किसी के प्रति आपका बिल्कुल ही डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड है, राइट, या आप उसकी बहुत ही ज्यादा निंदा कर रहे हो या उसको नीचा दिखा रहे हो, तो क्या होगा, इसके लिए एक वर्ड हो सकता है डिस्पैरेजिंग। ओके, लेट्स मूव अहेड। देन वी हैव प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन का मतलब क्या होता है कि आपको एक बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग है कि कुछ होने वाला है, राइट, जनरली वो बुरे के सेंस में होता है, इसको आप क्या कह सकते हो, फोर वार्निंग, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इल्यूड, इल्यूड मतलब होता है कि आप सपोज आपको कोई नुकसान पहुंचने वाला था, किसी इनिमी या डेंजर था, आपने वहां आप वहां से भाग गए, ठीक, आप वहां से एस्केप कर गए, एस्केप इसके लिए सही वर्ड है। फ्लटर, फ्लटर मीन्स टू मूव लाइटली और क्विकली, आप काफी तेजी से या बहुत ही हल्के महसूस करके आप मूव कर रहे हो, इसलिए क्या वर्ड हो सकता है, फ्लोट, राइट। नेक्स्ट अब भी है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का तो मतलब साफ आपको पता है, जनरली हम लोग सपोज हमारे पास चार काम है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है हमारे लिए, सबसे पहले हम उसको करेंगे, राइट, तो दैट वुड बी प्रायोरिटी। अब इसी के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, प्रिसीडेंस, राइट, सो एक अच्छा वर्ड है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन मतलब किसी चीज की आप कॉपी कर रहे हो, राइट, तो कॉपिंग सही वर्ड है इसके लिए। डायलेट, डायलेट मीन्स किसी चीज को चौड़ा कर दो या बड़ा बना दो, राइट, सो वाइडन एक सही वर्ड है इसके लिए। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब होता है कि आप एक कोई इंसान है या कोई सामान, कोई वस्तु भी हो सकता है, आप उसी के बारे में बार बार सोच रहे हो, अगेन एंड अगेन, राइट, आप उससे छुटकारा ही आपको नहीं मिल रहा, सो ऑब्वियसली दैट वुड बी ऑब्सेशन, राइट। अच्छा, इसके लिए वर्ड क्या यूज कर सकते हो, प्री ऑक्यूपेशन। इटिनेरेंट, इटिनेरेंट मीन्स क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो जगह जगह घूमता हो, राइट, सो ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, कन्विक्ट, कन्विक्ट क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा इंसान जिसको आपने जो दोषी है, राइट, किसी क्राइम में या किसी क्राइम में कह सकते हो, जनरली जो कोर्ट ऑफ लॉ से
जिसने जिसको कन्विक्ट कर दिया गया, कन्विक्ट बेसिकली जिसको डिक्लेयर कर दिया गया कि हाँ ये दोषी है, राइट। तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं कन्विक्ट, क्रिमिनल कह सकते हो। ऑस्टेंसेशन, अब ऑस्टेंसेशन क्या होता है कि बहुत ही एक्सेसिव जब हम शो ऑफ करते हैं वेल्थ का, राइट, उसको हम लोग कहते हैं ऑस्टेंसेशन। जैसे इसको इसलिए एक वर्ड हो जाता है पॉम्प, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देख लो अंबानी का जो अंबानी के जो बेटे का जो अभी प्री वेडिंग जो सेरेमनी था, तो उसको भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये ऑस्टेंसेशन था, राइट, इसलिए शो ऑफ वेल्थ था। ये डिपेंड करता है आपके ओपिनियन, राइट। सिलेक्शन, द एक्शन और फैक्ट ऑफ केयरफुली चूजिंग समवन और समथिंग एज बीइंग द बेस्ट और मोस्ट सुटेबल। अगेन इसको भी कह सकते हो आप प्रेफरेंस। तो बेसिकली कोई चीज है जिसको आप किसी काम के लिए या किसी किसी वस्तु को आपको चूज करना है, तब क्या करोगे उसमें, आप देखोगे कौन सा बेस्ट है, राइट। सो दैट इज सिलेक्शन, इसके लिए हम लोग करते हैं प्रेफरेंस। टॉर्पीड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टॉर्पीड मतलब एकदम आलसी आदमी, बेसिकली वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से इनएक्टिव है, राइट। ओके लेट्स मूव अहेड। सरमाउंट, सरमाउंट मीन्स क्या होता है, आप ओवरकम कर रहे हो किसी डिफिकल्टी, किसी बाधा को या किसी मुसीबत को, राइट। सो दैट इज सरमाउंट, तो इसलिए एक अच्छा वर्ड ओवरकम, राइट। एब्लूशन, एब्लूशन मतलब क्या होता है कि आप खुद को वॉश कर रहे हो। जनरली ये क्या होता है ना, एब्लूशन जनरली आप कह लो स्पिरिचुअल सेंस में होता है या किसी वर्शिप सेंस में होता है, ठीक है, एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। जीनोम या ग्लोम, इसको ग्नोम कह सकते हैं, अ स्मॉल अगली पर्सन, इसलिए ड्वार्फ वर्ड यूज कर सकते हो। कमांड, कमांड मीन्स क्या होता है कि आप ऑर्डर पास करो, राइट। सो इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो इंस्ट्रक्ट। ओके ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है कि जिसके आर पार लाइट जा सकती हो, राइट। तो इसका आप क्या यूज कर सकते हो, अगर सिनोनिम कहा जाए तो लूसिड। ओके डेक्सटरिटी, डेक्सटरिटी मीन्स स्किल इन परफॉर्मिंग टास्क। सो बेसिकली जनरली हाथ के हाथ से यूज करते हैं, जनरली हाथ की करते हैं। डेक्सटरिटी मतलब किसी भी चीज में आप निपुण हो, राइट। इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं एड्रॉइटनेस। कैप्रीसियस, कैप्रीसियस मतलब एक ऐसा इंसान जो जिसका मूड बहुत ही बार बार चेंज होता है, राइट। आप बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, अभी खुश है लेट से 2 सेकंड बाद वो नाराज हो गया, राइट। तो ऐसे इंसान को कहते हैं कैप्रीसियस, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं विम्सिकल। ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, असर्टिव। असर्टिव मीन्स हैविंग और शोइंग अ कॉन्फिडेंट एंड फोर्सफुल पर्सनालिटी, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं डोमिनियरिंग। इसलिए असर्टिव आपने सुना होगा ना, कुछ इंसान असर्टिव होते हैं जो कुछ भी बात करते हैं तो वो अपना पक्ष बिल्कुल ही मजबूती के साथ रखते हैं, राइट। या बहुत बार इसको हम लोग निगेटिव सेंस में भी ले लेते हैं कि ये डोमिनेट कर रहा है, इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डोमिनियरिंग। नेविश, नेविश मीन्स डिसऑनेस्ट, कोई इंसान जो डिसऑनेस्ट है, अनस्क्रपलस वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। ओके नेक्स्ट वर्ड लैकोनिक, लैकोनिक एक काफी अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट है काफी। लैकोनिक मीन्स मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप काफी संक्षिप्त तरीके से कह रहे हो, राइट। मीन्स यू आर यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, तो कंसाइज एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, राइट। ओके नैक, नैक क्या होता है कि हो सकता है आपके पास कोई नेचुरल स्किल हो किसी काम को करने का, राइट, और वो कुछ जरूरी नहीं कि नेचुरल हो, वो एक्वायर्ड भी हो सकता है, तो उसको कहेंगे नैक। तो नैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, राइट। अगर आप क्रिकेट के सेंस में देखो तो कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो लंबा स्कोर करते हैं, राइट, उनके लिए क्या कमेंटेटर यूज करते हैं, दिस क्रिकेटर है, दिस बैट्समैन हैज अ नैक ऑफ स्कोरिंग बिग, राइट, स्कोरिंग डबल 100, ट्रिपल 100। तो नैक हम लोग ऐसे बर्ड किसी कोई भी पर्टिकुलर हैबिट या कह लो कोई पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर काम एक एक्सेलेंट होना, उसको नैक कह सकते। इल ब्रेड, इल ब्रेड मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही रूड आदमी, राइट, तो अनकाउट कह सकते हो। डिमेंटेड, डिमेंटेड मतलब डिमेंटेड या ओके बिहेविंग इरेशनली ड्यू टू एंगर डिस्ट्रेस और एक्साइटमेंट। ओके इडियोटी का भी इसको कह सकते हो, मूर्ख आदमी। हॉटी, हॉटी मीन्स होता है एरोगेंटली सुपीरियर एंड डिस्टेंटफुल, इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो कॉन्सीटेड, राइट। तो कोई इंसान ऐसा है जो बिल्कुल ही अपने आप को सुपीरियर दिखा रहा है, राइट, और एरोगेंटली बिहेव कर रहा है, तो आप उसको कह सकते हो हॉटी बिहेवियर। ओके लेट्स मूव फर्दर। एनलिवन, एनलिवन मतलब क्या होता है, मेक समथिंग मोर इंटरटेनिंग, इंटरेस्टिंग और अपीलिंग, इसलिए आप कह सकते हो चीयर, राइट। बेसिकली आप कह सकते हो कि जान डाल दिया, राइट, किसी चीज में। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग वर्ड एनलिवन, जान डालने के सेंस में, राइट। जेन्युइन, जेन्युइन ऑब्वियसली काफी इजी वर्ड है, ओरिजिनल, ट्रूली व्हाट समथिंग इज सेड टू बी, तो ऑथेंटिक आप कह सकते हो। बेकॉन, बेकॉन मीन्स समन करना, किसी को बुलाना। ओके अक्यूज्ड, अक्यूज्ड मतलब कोई ऐसा इंसान जिस पे कोई आरोप लगा है। ओके अक्यूज्ड का मतलब कन्विक्ट नहीं होता है, ये आपको ऑब्वियसली बातें पता होना चाहिए, पता ही होगा। एक्यूज मतलब जिस पे आरोप लगा है, कोई जरूरी नहीं वो दोषी ही हो, राइट, वो तो कोर्ट आगे डिसाइड करेगा कि कन्विक्ट है या नहीं, इसलिए वर्ड क्या यूज करते हो, इंडिक्टेड। ओके लेट्स मूव अहेड। सो ट्रांजिशन, ट्रांजिशन मतलब क्या होता है,
एक पीरियड से दूसरे, एक पीरियड कह सकते हो या एक इन्वायरमेंट कह सकते हो, वहां से आप आगे मूव करो, राइट। तो जनरली देखो क्रिकेट में भी हम लोग देखते हैं बहुत बार क्या होता है, एक जनरेशन ऑफ प्लेयर्स होते हैं, फिर नए सेट ऑफ प्लेयर्स आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वेटरन प्लेयर्स है वो धीरे धीरे हट रहे हैं, अब ये नए प्लेयर्स अपना जगह बना रहे हैं, राइट। तो इसको कहा जाता है ट्रांजिशन, डेक्रेपिट्यूड, ओके, द स्टेट ऑफ बीइंग डेक्रेपिट, वॉर्न आउट और रुइंड बिकॉज ऑफ एंगर और नेग्लेक्ट। सो बेसिकली एक ऐसी स्थिति में होना जहां आप बिल्कुल ही कमजोर हो चुके हो, राइट, जनरली ड्यू टू एज और या नेग्लेक्ट, या आपको बिल्कुल ही कोई केयर करने वाला नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं, फीवलनेस, राइट। फीवल मतलब होता है कमजोर। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी मतलब क्या होता है, बहादुर इंसान, राइट, जो रिस्क लेने से ना डरता हो, तो बोल्डनेस एक अच्छा वर्ड है। सुपर एनुएटेड, सुपर एनुएटेड का होगा, आउटडेटेड और ऑब्सोलीट थ्रू एज और न्यू डेवलपमेंट्स, या इसको रिटायर कर सकते हो। सो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे इंप्लॉयज में केस सेंस में यूज करते हैं हम लोग, तो जो सपोज 60 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं, तो उनके लिए हम सुपर एनुएटेड वर्ड यूज करते हैं, या कोई भी चीज जो आउटडेटेड हो चुकी है उसके लिए भी करते हैं, राइट। एसीड, एसीड मतलब कोई भी डिमांड था उसके लिए आपने एग्री कर लिया, राइट, या कोई ट्रीटी था, कोई संधि थी, या कोई रिक्वेस्ट किया गया था आपने, उसके उसको आप मान गए, राइट। तो कंसेंट भी एक अच्छा वर्ड है, कंसेंट मतलब सहमति होता है, राइट। अलर्ट, अलर्ट मीन्स आप काफी वॉचफुल हो, राइट, इसी चीज को लेकर के। ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी इंसान होता है, जिसको चेंज करना काफी मुश्किल है, तो इसके लिए वर्ड होगा अस्टबर्न। लिटिल, काफी छोटा सा वर्ड है लिटिल, तो आपको पता ही होगा। यार्ड स्टिक, यार्ड स्टिक मतलब होता है कोई एक ऐसा कह लो स्केल कह लो या स्टैंडर्ड कह लो, जिससे जिसको कि आप एज अ रेफरेंस यूज करो, राइट, जिससे कि आप तुलना करो सकते, राइट, तो इसको आप स्टैंडर्ड कर सकते हो। टॉक्सिक मतलब पॉइजनस, ऑब्वियस सी बात है। ओके, रिग्रेस, रिग्रेस मीन्स रिटर्न टू अ फॉर्मर और लेस डेवलप्ड स्टेट। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि कोई चीज था पहले वो अच्छा था, अब क्या हुआ कि वो और अपने बेकार स्थिति में चला गया, राइट, उसको हम लोग कहते हैं रिग्रेस कर। इवन बहुत सारे प्लेयर्स के केस में भी हम लोग यूज करते हैं, राइट, ये अब अभी पहले से भी अब बुरा खेल रहा है इंसान, राइट। सॉम्बर, सॉम्बर मीन्स डार्क और डल इन कलर, इसको ग्लूमी कह सकते हो आप। रेयर, ओके, ऐसा कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा घटना जो बार बार ना होता हो, राइट, रेयर ऑब्वियस बात है, आप जानते ही होंगे, रेयर मतलब बहुत ही कम बार होने वाला चीज, नॉट अकरिंग वेरी ऑफ्टन। हर्डल, हर्डल मतलब बाधा, राइट, सो ऑब्स्टेकल यूज कर सकते हो। डेसीमेटेड, डेसी मतलब, डेसीमेटेड मतलब क्या होता है, बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देना, राइट। ऑगस्ट, ऑगस्ट मतलब होता है जनरली मेजेस्टिक, राइट, रिस्पेक्टेड एंड इंप्रेसिव। एवराइस, एवराइस मतलब एक्सट्रीम ग्रीड, बहुत ही ज्यादा लालच होना किसी भी चीज के लिए, जनरली वेल्थ के लिए यूज करते हैं। स्लीथर, स्लीथर मीन्स मूव स्लो स्लो स्मूथली ओवर अ सरफेस, स्लाइड करना, राइट। सो कोई सरफेस है उसके ऊपर कोई मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है कि नॉइज नहीं हो रहा, राइट। फ्रीलांस, फ्रीलांस मीन्स आप बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आप किसी एम्प्लॉयर के यहाँ काम नहीं करते हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो दूसरे के लिए, दूसरे पे सैलरी के लिए या काम के लिए, राइट। इम्पियस, इम्पियस मीन्स होता है शोइंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर गॉड और रिलीजन, इररेवरेंट। सो बेसिकली ना तो आप गॉड में मानते हो, गॉड में मानना अलग चीज, आप बिल्कुल ही रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हो, राइट, डिसरिस्पेक्ट करो या रिलीजन का भी करो, तो इम्पियस कहते हैं। स्कॉर्न, स्कॉर्न मतलब होता है कि ऐसा फीलिंग जनरली किसी इंसान के प्रति कि आप बिल्कुल ही उससे नफरत करते हो, राइट। एपोजिट, नॉट अपोजिट, एपोजिट, तो एपोजिट क्या होता है कि अप्रोप्रिएट होता है किसी सर्कमस्टांस या रिलेशन, सो बेसिकली आप इसलिए कह सकते हो कि सुटेबल है, राइट, किसी भी इवेंट किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कोई इंसान या कोई वस्तु सुटेबल हो, राइट, तो अप्रोप्रिएट भी सही वर्ड है इसके लिए। डुलसेट, इसको कह सकते हैं स्वीट एंड सूदिंग। इंडिकमेंट, ओके, यहाँ पे टी भी होगा, इंडिकमेंट, अ फॉर्मल चार्ज और एक्विजिशन ऑफ अ सीरियस क्राइम, एक्विजिशन, इसके लिए अगेन एक्यूज हमने देखा था, राइट। तो क्या होता है कि अगर किसी इंसान पे आप आरोप लगा रहे हो तो उसके लिए फॉर्मली अगर आप जा रहे हो तो उसको आप इंडिकमेंट कहोगे, राइट। ओके, लेट्स मूव अहेड। इनवेरिएबल, इनवेरिएबल मतलब क्या हो सकता है, नेवर चेंजिंग, राइट, कॉन्स्टेंट, या इसको आप इनवेरिएंट भी कह सकते हो, कोई ऐसी चीज जो कभी भी चेंज ना हो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर छोटा सा एग्जाम्पल दूं, सो फॉर एग्जाम्पल ये आपका ग्लास है, इसमें मिल्क और वाटर दोनों है, राइट, मिल्क प्लस वाटर है। अब मैं क्या करूं, इसमें सिर्फ वाटर डालूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मिल्क जो था हमारा इनवेरियंट है या इनवेरिएबल है। बेसिकली मिल्क का क्वांटिटी तो चेंज हुआ नहीं, क्योंकि आपने क्या किया, सिर्फ वाटर ऐड किया, राइट, तो वाटर का क्वांटिटी बढ़ा है, बट मिल्क इज सेम, तो दैट इज नथिंग बट इनवेरिएबल, राइट। ओके, आगे देखते हैं। अस्टबर्न, अस्टबर्न मतलब अगेन जिद्दी, इसको आप एडमेंट भी कह सकते हो, कोलोसल भी देख चुके हैं, जाइगेंटिक। डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल होना आपके लिए, राइट, जनरली हेल्थ के सेंस में होता है।
हेराल्डेड, हेराल्डेड मीन्स जनरली कि आप कह सकते हो कि कोई चीज होने वाला है, राइट। इनसेसेंटली, बिल्कुल ही लगातार, इनसेसेंट रेन्स, लगातार बारिश हो रही हो, इसको कहते हैं कंटिन्यूअसली। विरासिटी, विरासिटी मीन्स ट्रूथ को कंफर्म करना, बेसिकली ट्रूथ, कोई भी चीज जो सही हो। अकाउंटरमेंट्स, दैट इज एडिशनल आइटम ऑफ ड्रेस और इक्विपमेंट, इसको इक्विपमेंट्स भी कहते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, बहुत ही रेयरली यूज होता है अकाउंटरमेंट्स। ऑब्सीन, ऑब्सीन मतलब बिल्कुल ही ऑफेंसिव होना, राइट। जो जो हमारा मोरालिटी है या जो डिसेंसी है उसमें बिल्कुल ही आपने उससे बहुत ही नीचे लेवल का काम किया, राइट। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इंडिसेंट। ओके, जेन्युइन, जेन्युइन ऑब्वियसली बात है, ऑथेंटिक। इटरनल, इटरनल मतलब जो हमेशा चलेगा, परपेचुअल, इसके लिए आप अच्छा वर्ड है। फ्लेवर गास्टेड, फ्लेवर गास्टेड मीन्स सरप्राइज होना बहुत ही अजीब तरीके से, राइट। सो दैट एक वर्ड यूज कर सकते हो, डम फाउंडेड। डूबियस, डूबियस मीन्स जिसपे आप बिल्कुल ही भरोसा नहीं कर सकते, डाउटफुल। एंटीपैथी, एंटीपैथी मीन्स किसी भी चीज को लेकर बिल्कुल ही डिसलाइक करना, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। ओके, लेट्स मूव अहेड। रेसिंड, रेसिंड मीन्स आपने उसको कैंसिल कर दिया, तो रिवोक अच्छा वर्ड है। मेटिकुलस, मेटिकुलस मतलब आप किसी काम को कर रहे हो बहुत ही ज्यादा डिटेल से कर रहे हो, या बहुत ही ज्यादा ध्यान देकर कर रहे हो, राइट। तो केयरफुल भी एक अच्छा वर्ड है। एक्रोनिम, एक्रोनिम किसके लिए होता है, एक्रोनिम आपको पता ही होगा। फॉर एग्जाम्पल बीसीसीआई है, या कह लो यूएनओ है, या कह लो क्या कह सकते हो, या फॉर एग्जाम्पल आईआईएम है, राइट। तो ये पूरे वर्ड्स तो नहीं है, ये हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर है, राइट। तो जब कोई बड़ा वर्ड हो और हमें उसको जल्दी बोलना हो तो हम क्या करते हैं, पूरे वर्ड को ना बोल करके हम हर एक वर्ड का पहला लेटर उठाते हैं और उसको एक नए वर्ड की तरह यूज कर लेते हैं, राइट। सो दैट इज नोन एज एक्रोनिम। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, अभी पॉलिटिक्स में आपने सुना होगा इंडिया अलायंस, राइट। तो ये काफी बड़ा सा नाम है, राइट, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज, एक पॉलिटिकल कह लो अरेंजमेंट का। लेकिन हम लोग अब उतना बड़ा नाम तो जनरली लोगों को याद नहीं रहता, तो लोग क्या बार बार कहते हैं इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस, राइट। इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन मतलब क्या होता है, कि एंगर और एनॉयंस प्रोवोक्ड बाई वट इज परसीव्ड एज अनफेयर ट्रीटमेंट। तो बेसिकली आप बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप अनफेयरली ट्रीट कर रहा है कोई आपको, राइट। आप उसको कहोगे इंडिग्नेशन। ओके, लेट्स मूव अहेड। कॉन्ग्रीगेशन, कॉन्ग्रीगेशन मतलब क्या होता है, गैदरिंग करना, राइट। जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हो, ग्रुप, एनिमल्स हो, कुछ भी हो सकता है, जनरली रिलीजियस मीटिंग के लिए होता है। इनकैपेसिटेट, इनकैपेसिटेट मतलब होता है कि जनरली जिस तरीके से वो फंक्शन कर रहा था वो उस टाइप से नहीं फंक्शन कर पा रहा है, तो क्रिपल कह सकते हो आप। एक्सोटिक, एक्सोटिक मीन्स एक्सोटिक ऐसा चीज होता है जो आपके यहाँ नहीं उत्पत्ति हुआ, वो कहीं दूर देश से हो, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल अभी देखो क्या होता है, कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल कोई वेस्ट का आदमी है तो उसको बहुत सारी इंडिया की चीजें एक्सोटिक लगती हैं, मतलब वो उसको पॉजिटिव सेंस में लेता है कि ओके ऐसा भी होता है क्या, राइट। बहुत सारे वेस्ट की चीजें जो हम लोग को एक्सोटिक लगती है कि ओके सो दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, राइट। तो कोई ऐसी चीज जो आपके यहाँ जनरली ना होती हो, बहुत ही दूर देश में होती हो, लेकिन वो आपको अच्छी पसंद आती है जनरली, तो इसको स्ट्रेंज भी कह सकते हो। फिलेंथ्रोपिस्ट, ओके, फिलेंथ्रोपिस्ट ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा इंसान जो बहुत दान करता हो, राइट। सो दूसरे के वेलफेयर के लिए आप कह सकते हो बेनिफैक्टर। डी कैंप, डी कैंप मतलब किसी प्लेस को आपने अचानक से छोड़ दी, राइट। तो फ्ली कह सकते हो, अचानक से आप भाग गए इस सेंस में, राइट। सैलियंट, सैलियंट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनीथिंग, तो प्रोमिनेंट कह सकते हो। एबिस्मल, एबिस्मल मतलब देखो तो ये एबिस वर्ड से आया है, राइट। एबिस्मल मतलब बहुत ही डीप या बहुत ही नीचा, जनरली नेगेटिव सेंस में कहते हैं, तो बॉटमलेस कह सकते हो, जिसका कि कोई नीचा छोर ही नहीं, इतना नीचे हो। ओके, नाउ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मीन्स किसी चीज को आप बचा रहे हो, राइट। सो जनरली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, राइट। तो प्रिजर्वेशन एक अच्छा वर्ड है इसके लिए। प्लेयर, प्लेयर मतलब क्या होता है ना, कि देखो जनरली क्रिकेट में भी आपने सुना होगा कि इस प्लेयर के पास फ्लेयर है, बेसिकली वो फियरलेस होता है, बहुत ही जनरली जिस टाइप से दूसरे लोग खेलते हैं उस टाइप से वो नहीं खेलता, राइट, वो अलग हटके खेलता है। तो इसको क्या टैलेंट एक कह सकते हो, लेकिन और भी इसके लिए अच्छे वर्ड्स हो सकते हैं, राइट। इलिसिट, इलिसिट का मतलब हुआ कि जो चीज जनरली रूल्स के खिलाफ हो, राइट, या लॉ के खिलाफ हो, कस्टम के, रीति रिवाज के खिलाफ हो, उसको इलीगल कहोगे। कोर्स, कोर्स मतलब रफ, राइट, इन टेक्सचर। इम्पोस्ट, इम्पोस्ट मतलब एक कंपलसरी पेमेंट टू गवर्नमेंट, बेसिकली ये टैक्स की तरह, टैक्स ही कह सकते हो आप इसको। प्रोडिगल, प्रोडिगल मतलब क्या होता है ना, कोई ऐसा इंसान जो अपने पैसे या रिसोर्सेस को बिल्कुल ही वेस्ट कर देता है बिना केयर किए, राइट। तो रेकलेस आप कह सकते हो, वेस्टफुल। रेसिपियंट, रेसिपियंट मतलब जो सामान को रिसीव कर रहा है। फोरगो, फोरगो मीन्स
गो विदाउट, सो बेसिकली आप एक तरह से छोड़ रहे हो उसको, ठीक है, जनरली पॉजिटिव सेंस में ही होता है. राउट डिफीट एंड कॉज टू रिट्रीट इन डिसऑर्डर. डिफीट सो बेसिकली आप हार गए और आप पीछे हट गए, तो इसको राउट कहते हैं. फ्रंटियर, फ्रंटियर मतलब बॉर्डर. नेव अ डिसऑनेस्ट पर्सन, स्कॉन्डर इसको कह सकते हो. फेलिसिटी, फेलिसिटी मतलब बहुत ही इंटेंस हैप्पी होना. सो फॉर एग्जाम्पल आप आपने कोई एग्जामिनेशन दिया राइट, और आपकी बहुत अच्छी रैंक आ गई, तो आप क्या इंटेंस है, इंटेंस इंटेंसली हैप्पी महसूस करते हो अपने आप राइट, दैट इज फेलिसिटी. इररिप्रोचेबल, इररिप्रोचेबल मतलब बियॉन्ड क्रिटिसिज्म, मतलब कोई ऐसा चीज है जो इतना परफेक्ट है कि आप उसकी निंदा ही ना कर सकते हो राइट, उसमें कोई फॉल्ट ही नहीं है, तो फॉल्टलेस कह सकते हो. फ्लिम्सी, फ्लिम्सी मतलब बहुत ही कमजोर, जो जिसको आप आसानी से डैमेज कर सकते हो, तो वीक कह सकते हो. कॉडल, कॉडल मतलब क्या होता है, किसी को इस तरीके से ट्रीट करना जिसको कि आप कह सकते हो बहुत ही ज्यादा अटेंशन या केयर के साथ करना राइट. तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को कहते हैं ममाज बॉय राइट, सो बेसिकली वो उनका इतना केयर से पाला गया है कि वो अभी भी उनको केयर की जरूरत है, इस टाइप से होता है ना, तो उसको आप कॉडल कह सकते हो. प्रोफिलैक्टिक, इंटेंडेड टू प्रिवेंट डिजीज, प्रिवेंटिंग, तो बेसिकली डिजीज को बचा, डिजीज से बचने के लिए जो होता है वो प्रोफिलैक्टिक होता है. ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज मतलब किसी एक सोसाइटी या ग्रुप से निकाल देना, इसको बैनिश भी कह सकते हो. डिबैकल, डिबैकल मतलब अ सडन एंड इग्नोमिनियस फेलियर, इसको डाउनफॉल भी कह सकते हो. तो अचानक से अगर आप कहीं फेल हो गए तो डिबैकल कहते हैं उसको राइट. ट्राइट, ट्राइट मतलब होता है कि बिल्कुल ही डल होना, या इतना ओवर यूज हो चुका है कि वो उसमें कुछ मतलब कह लो फन ही नहीं है राइट, तो कॉमन प्लेस भी कह सकते हो कि ये तो हर जगह ही मिलता है ये राइट, इसमें नया क्या है. डेरिजन, डेरिजन मतलब होता है किसी का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाना, तो रेडिकुल अच्छा वर्ड है. ओनस, ओनस मतलब होता है कि किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना राइट, जो आपका काम था आप उसके लिए जवाबदेह हो. कैंटैंक्रस, कैंटैंक्रस मतलब बहुत ही ज्यादा झगड़ालू इंसान राइट, जो बहुत ही ज्यादा आर्गुमेंट्स करता हो, बात बात पे लड़ जाता हो, तो क्वेरलसम अच्छा वर्ड है इसलिए. लग्जरियंट, लग्जरियंट मीन्स रिच एंड प्रोफ्यूज इन ग्रोथ, अवंडेंट आप कह सकते हो. सफिशियंट ऑब्वियस बात है, एडिक्वेट अच्छा वर्ड है. मीक, मीक मतलब होता है जो जिसको आप आसानी से दबा सकते हो राइट, मीक होना अच्छी बात नहीं है. एम्ब्रेस, एम्ब्रेस मतलब होता है किसी चीज को खुशी खुशी एक्सेप्ट करना. एंसेस्टर्स ऑब्वियस बात है, एंसेस्टर मतलब हम हमारे पूर्वज राइट. बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत दयालु हो, जो बहुत ज्यादा चैरिटी करता हो, तो काइंड अच्छा वर्ड है. सिंसियर तो हम लोग देख चुके हैं पहले ही. ओके लेट्स मूव अहेड. कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट में काम करना. डेंजरस कोई ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, हैजार्डस राइट. ऑब्स्टिनेट काफी जिद्दी इंसान जिसको चेंज करना नामुमकिन हो. स्टबर्न, इलिसिट ये भी देख चुके हैं. इररेसिबल, इररेसिबल मतलब क्या होता है, जो बहुत ही जल्दी आसानी से गुस्सा हो जाता हो राइट, इसको आप इरिटेबल भी कह सकते हो. प्रोमिस्कुअस, प्रोमिस्कुअस मीन्स होता है कैजुअल राइट, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि कोई इंसान बिल्कुल ही रिलेशनशिप में जाता है तो सीरियस नहीं होता उसके लिए, कैजुअल रिलेशनशिप राइट, सो इसको प्रोमिस्कुअस कहते हो. प्रॉम्पिंक्विटी द स्टेट ऑफ बीइंग क्लोज टू समवन और समथिंग, प्रॉक्सिमिटी. ओके सो बेसिकली ये प्रॉक्सिमिटी से आया, मतलब किसी चीज के आप बहुत ही ज्यादा निकट हो, या कोई चीज आपको आपके दिल के काफी करीब है राइट. आर्टफुल, आर्टफुल मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही चालाक हो राइट, जनरली कनिंग के सेंस में होता है. फैचुअस, फैचुअस मतलब पॉइंटलेस मूर्खता वाली बात. परक्विसिट, परक्विसिट मतलब ये होता है कि आपको कोई बेनिफिट दिया हो जो आप जिसके लिए आप इंटाइटल्ड हो राइट, तो बहुत बहुत बार क्या होता है इवन सैलरी में भी परक्विसिट या पर्क्स उसको आप कह सकते हो राइट, तो प्रिविलेज या पर्क अच्छा वर्ड है इसके लिए. एक्सिक्रेट, एक्सिक्रेट मतलब फील और एक्सप्रेस ग्रेट लोथिंग फॉर, तो कोई चीज को आप बिल्कुल ही पसंद ना करते हो तो उसको एक्सिक्रेट कहते हैं. स्पिरिटेड मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, एंथुसियाज्म एंड डिटर्मिनेशन, आर्डेंट इसको कह सकते हो. वायरुलेंट, वायरुलेंट मतलब होता है एक्सट्रीमली सीवियर और हार्मफुल इन इट्स इफेक्ट, डेडली, कोई ऐसा डिजीज जो वायरल लेवल पे हो राइट, इसलिए वायरुलेंट इस टाइप से वर्ड यूज हुआ है. कॉन्ट्रोवर्ट, कॉन्ट्रोवर्ट मतलब होता है आर्गू करना, जनरली कॉन्ट्राडिक्ट कह सकते हो इसको. रिवरी, रिवरी मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग प्लेजेंटली लॉस्ट इन वंस थॉट, बेसिकली आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो, आप अपने ही ख्यालों में खोए हुए हो राइट, सो दैट इज रिवरी. पेरुलस, पेरुलस मतलब होता है फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, हजार्डस. ऑडेसियस, ऑडेसियस मतलब बहादुर. क्वेरलस, क्वेरलस मतलब कोई जो कंप्लेन करता हो. पॉइग्नेंट इवोकिंग अ कीन सेंस ऑफ सैडनेस और रिग्रेट, सो बेसिकली सैड होना. एक्रू, एक्रू मतलब जोड़ना राइट, एकुमुलेट. जीनियल काफी फ्रेंडली इंसान. इनक्लीमेंट, इनक्लीमेंट मतलब
ऐसा कंडीशन जो आपके लिए बिल्कुल ही अनफेवरेबल हो, राइट, सो अनप्लेजेंट हो। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव मतलब होता है कि बहुत ही बदला लेने वाली भावना रखना, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पाइट, इसको लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो, स्पाइटफुल, राइट। लोकोएसियस, लोकोएसियस मतलब टेंडिंग टू टॉक अ ग्रेट डील, बेसिकली आप बहुत ही ज्यादा बात करते हो, सो दैट इज टॉकेटिव, राइट। परस्पिक्यूअस, परस्पिक्यूअस मतलब क्लियरली एक्सप्रेस एंड इजिली अंडरस्टूड, सो कोई ऐसी चीज जो जिसको आसानी से समझा जा सकता है या एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसके लिए एक अच्छा वर्ड है, लूसिड भी कह सकते हो या प्रिसाइज भी कह सकते हो। प्रोडिगल मतलब वेस्टफुल, जो बहुत ही ज्यादा वेस्ट करता हो, इनरेपिडी हम लोग देख चुके हैं। इनफेमी, इनफेमी मतलब होता है कि आप क्या, कुख्यात आपने वर्ड सुना होगा, राइट। सो बेसिकली आप किसी बुरे काम के लिए फेमस हो, राइट। सो क्रिमिनल्स के सेंस में हम लोग जनरली यूज करते हैं, राइट। ओके, लेट्स मूव अहेड। बैरन, बैरन मतलब क्या होता है, बंजर जमीन, राइट, जहां पे कुछ उगता ना हो, तो अनप्रोडक्टिव कह सकते हो। प्रीपोंडरेस, प्रीपोंडरेस का मतलब वही होता है, द क्वालिटी ऑफ फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर इन नंबर, क्वांटिटी और इंपॉर्टेंस, सो डोमिनेंस। सो बेसिकली कोई ऐसा चीज जिसमें आपको इंपॉर्टेंस दी गई हो, राइट, दैट इज प्रीपोंडरेंस। डिल्यूज, डिल्यूज मतलब बहुत ही सीवियर तरीके का बाढ़ आना। एप्रेज, एप्रेज मतलब किसी चीज को जज करना, राइट। इंडिक्ट, इंडिक्ट मतलब किसी पे चार्ज करना फॉर्मली। लूसिडिटी, क्लियर होना। डेलिबरेटली मतलब जान के करना, इंटेंशनली। अस्ट्रिंजेंट, अस्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट, प्रिसाइज एंड एग्जैक्टिंग, टफ मतलब काफी कठिन या टफ कह लो, कोई चीज की जाती हो तो अस्ट्रिंजेंट होता है। बिहेवियर मतलब कंडक्ट, राइट, किस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो। सबजुगेट, सबजुगेट मतलब हराना, किसी चीज को कंट्रोल करना। फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट मतलब होता है कि आप दिखा रहे हो, बेसिकली फ्लॉन्ट मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई बेल्ट है या कोई सामान है, आप उसको दिखावा कर रहे हो, राइट। तो ऑस्टेंसेशन देखा था हम लोगों, राइट, तो इसी टाइप का ये फ्लॉन्ट वर्ड है, इसके लिए आप एग्जीबिट कर सकते हैं, हालांकि एग्जीबिट प्रॉपर सही वर्ड नहीं है, आप इसको ऑस्टेंसेशन कह सकते हो। ओके, सरमाउंट, सरमाउंट मतलब ओवरकम करना। सॉलिसिट, सॉलिसिट मतलब होता है किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना। लेट्स मूव अहेड। एक्यूट, एक्यूट मतलब होता है कि बहुत ही शार्प या कह लो बहुत ही ज्यादा डीप में उसको समझना, राइट, सो दैट इज एक्यूट। रेलिस मतलब काफी इंजॉय करना। कंसील, किसी चीज को छुपा के रखना, ओके, टू कीप सीक्रेट। क्रूड, क्रूड मतलब होता है कोई नेचुरल या रॉ स्टेट में, राइट, कोई ऐसा चीज जो बिल्कुल ही रिफाइंड ना हो। ग्रम्बल, ग्रम्बल मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में बहुत ही बुरे तरीके से कंप्लेन करना। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब होता है कोई चीज जहां बिल्कुल ही डार्क हो या बिल्कुल ही अंधेरा हो, राइट, तो मर्की कह सकते हो। अस्पिरिटेड, फुल ऑफ एनर्जी, इसको एंथुसियास्टिक भी कह सकते हो। मैग्निफिसेंट मतलब होता है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा, विशाल। कल्मिनेशन, कल्मिनेशन मतलब क्या होता है, द हाईएस्ट पॉइंट और किसी भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट, राइट, शिखर कह सकते हो इसको, राइट, सो क्लाइमेक्स। जीनियस, जीनियस मतलब किसी चीज में, किसी चीज में इतनी पकड़ होना कि आपको लगता हो कि यार ये तो इसके पास नेचुरल चीज है, राइट, तो इसको जीनियस कहते हैं। प्रूडेंट, प्रूडेंट मतलब आगे का चीज को सोच के चलना अच्छे से। स्वैप, स्वैप मतलब एक्सचेंज करना, राइट। ओके, रिगार्ड, रिगार्ड मतलब रेस्पेक्ट करना। नोवाइस, कोई भी नौसिखिया इंसान, राइट, कोई कोई ऐसा इंसान जिसने नया नया काम सीखा हो। काउंटरफिट मतलब जाली, फेक। एब्स्टेन मतलब परहेज करना, रिफ्रेन। बैरन मतलब इनफर्टाइल। इन एडवर्टेंट, इन एडवर्टेंट मतलब नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम और अचीव थ्रू डेलिबरेट प्लान। ओके, सो बेसिकली कोई चीज ऐसा जिसमें जो आप नहीं चाहते थे लेकिन वो अपने आप हो गया हो, सो अनइंटेंशनल कह सकते, राइट। कंसेंसस मतलब सहमति, लार्ज एग्रीमेंट, राइट। अनएनिमिटी, बाइफर्केटेड मतलब दो में आपने डिवाइड कर दिया। एफ्लुएंस मतलब क्या होता है, वेल्दी होना, राइट, अमीर होना, रिच। पेरिलस, पेरिलस मतलब डेंजरस। सुपर सीड, सुपर सीड का मतलब जनरली बेसिकली हुआ कि आप किसी चीज को, आप कोई पहले कोई इंसान था सपोज किसी पोस्ट पे, आप उसको रिप्लेस कर गए, राइट, तो आप रिप्लेस कह सकते हैं। एवर्जन, एवर्जन मतलब किसी चीज को स्ट्रांगली डिसलाइक करना। डेस्पेरेशन, बिल्कुल ही हताश, परेशान होना, राइट, होपलेस। एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसको आप समझने में काफी दिक्कत हो रही है आपको, राइट, इसको आप क्या कह सकते हो, रहस्यमयी, मिस्टीरियस, तो पजलिंग एक अच्छा वर्ड है। फैबुलस, फैबुलस मतलब बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी, काफी अच्छा। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। डिस्पोंडेंट, डिस्पोंडेंट मतलब डिजेक्टेड महसूस करना, राइट। जुबिलेंट, जुबिलेंट मतलब हो गया फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट हैप्पीनेस एंड ट्रायम्फ, बेसिकली काफी ज्यादा आप खुश हो। रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब हो गया करेक्ट करना। ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब हुआ इमोशनल शॉक, बेसिकली कुछ ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ हो कि आप बिल्कुल ही उदास और कह सकते हो बहुत ही आप हर्ट हो गए उससे, राइट, सो ट्रॉमा कह सकते हो। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर मतलब हुआ जो बहुत बार क्या होता है हमारे स्किन पे
स्किन पे हमारे स्वेलिंग हो जाती है अजीब टाइप का, राइट, जिसमें पस जमा हो जाता है, राइट, तो जनरली जलने से होता है इसको, आप हिंदी में क्या कह सकते हो, फफोले या कुछ इस टाइप से वर्ड यूज होता है। एट्रोसिटी मतलब अत्याचार करना किसी पर, राइट। टेडियस मतलब बहुत ही लॉन्ग स्लो, कोई ऐसा काम जिसमें आप बिल्कुल ही बोरिंग हो और थकाने वाला। पॉसिटी, पॉसिटी मतलब ये होता है कि इनसफिशियंट होना, तो बेसिकली किसी चीज की कमी होना, तो इसको शॉर्टेज कह सकते हो, राइट। पेसीफाई, पेसीफाई मतलब काम डाउन करना, शांत करना। फोर्टिफाई, फोर्टिफाई मतलब किसी चीज को मजबूत करना, राइट। फोर्टी, फोर्ट मतलब किला होता है, राइट, तो बेसिकली किसी चीज को आपने मजबूत कर लिया तो फोर्टिफाई हो गया। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब क्या हुआ कि यार ग्रेट डिफरेंस, बेसिकली डिफरेंस है, राइट। तो ऐसा आप देखोगे अगर इंडिया में तो क्या कहते हैं, डिस्पैरिटी इन इनकम, राइट। सो एक कोई रिच क्लास का आदमी है, कोई कोई पुअर आदमी है, तो उन दोनों में काफी ज्यादा डिस्पैरिटी होता है, काफी ज्यादा डिफरेंस होता है, राइट। पेस्टर, पेस्टर मतलब होता है किसी को बहुत ही ज्यादा परेशान कर देना, बार बार रिक्वेस्ट करना, बार बार इंटरप्ट करना, सो दैट इज एनॉय। ट्रिमिंग, ट्रिमिंग मतलब होता है कि आप स्मॉल चीजों को काट दो, बेसिकली कट करना, ठीक है। राइवल्ड, राइवल्ड मतलब अ पर्सन हु इज कम्पीटिंग फॉर द सेम ऑब्जेक्ट और गोल, ओके। तो राइवल का मतलब हुआ कोई आपका कंपिटिटर, राइट। सेवियर, सेवियर मतलब जो किसी चीज को बचाता हो, किसी खतरे से आपको बचाता हो, तो प्रोटेक्टर एक अच्छा वर्ड है इसके लिए। डेफर, डेफर मतलब पोस्टपोन करना, राइट, टालना। डेलिबरेट मतलब जानबूझ के आपने किया है। डिमोन्स्ट्रेट, डिमोन्स्ट्रेट का मतलब हुआ कि आपने उसको शो कर रहे हो, राइट। डेयरिंग, डेयरिंग मतलब होता है बहादुर। ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाही। डर्थ मतलब स्कार्सिटी मतलब कमी। इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव मतलब बिल्कुल या फीलिंग या कंसर्न नहीं रख रहे हो सामने वाले को, तो कैलस अच्छा वर्ड है इसके लिए। सर्कुटस, सर्कुटस मतलब होता है ना कि आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, घुमा फिरा के कह रहे हो, तो इसके लिए एक अच्छा वर्ड है। राउंड अबाउट। साइंस, साइंस मतलब ग्लिटर करना, चमकना। बॉयस्ट्रस, बॉयस्ट्रस मतलब नॉइजी, इनर्जेटिक एंड चीयरफुल, इसलिए नॉइजी अच्छा वर्ड है। मेलो, मेलो मतलब होता है प्लीजेंटली स्मूथ और सॉफ्ट, फ्री फ्रॉम हार्शनेस, सो बेसिकली कोई ऐसा चीज जो काफी मुलायम। निफेरियस, निफेरियस मतलब विकेड इंसान। सॉर्डिड, इन्वॉल्विंग इमोरल और डिसऑनरेबल, ओके। सॉर्डिड मतलब हुआ कि आपने कोई इमोरल काम किया हो या कुछ डिसऑनरेबल एक्शन किया। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मतलब शांत, बिल्कुल ही राइट, डिस्टर्बेंस से फ्री होना, राइट। इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब जो सिर्फ आपके इमेजिनेशन में हो, तो इसको फिक्सिशियस भी कहते हैं, राइट। कैरिकेचर, कैरिकेचर मतलब है किसी चीज का कार्टून टाइप का बनाना या कह लो कोई पिक्चर बनाना इस टाइप का, राइट। ग्रोटेस्क जल्दी कॉमिक के सेंस में होता है। एब्जॉर्बिंग मतलब किसी चीज को इंटरेस्टिंग बनाना, राइट। तो एनग्रोसिंग। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट मतलब आजादी देना, एक तरह से किसी चीज से मुक्त होना, लिबरेट। लॉर्ड, लॉर्ड मतलब प्रेज। एमुलेट, एमुलेट मतलब होता है नकल, एक तरह से कह लो किसी का नकल करना, ओके। इमिटेट भी वही सिमिलर है। ऑब्सीन, ऑफेंसिव होना, ये तो हम लोग देख चुके हैं। फिक्टिशियस मतलब फॉल्स केस। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मतलब एरोमा, राइट। कैजुअल, कैजुअल मतलब किसी चीज को मनाना कह लो एक तरह से, राइट। तो फ्लैटर जनरली क्या होता है ना, आप किसी चीज को तारीफ करके ही मना रहे हो, तो उस सेंस में कैजुअल यूज करता हूँ। एपियर, एपियर मतलब होता है कि दिखना, तो राइट। सीम। डिस्क्रिमिनेट, ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज को किसी से भेदभाव करना, तो डिस्टिंग्विश। इंटीग्रेशन मतलब एकजुट होना, एक साथ आना, राइट। तो कहते हैं इंटीग्रेशन इन आवर कंट्री। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब कोई ऐसा चीज जिसके लिए आप लीगली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कर्जा लिया है तो आपको लौटाना पड़ेगा, राइट। सीज, सीज मतलब स्टॉप करना। स्पेकुलेट, स्पेकुलेट मतलब होता है कि आप किसी चीज के बारे में गेस कर रहे हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, राइट। तो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में बहुत सारा स्पेकुलेशन होता है, ओके, सो ये मार्केट नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, राइट, बेस्ड ऑन द करेंट इवेंट्स, राइट। इफेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, रिजल्ट। ऑब्सीन ये हम लोग देख चुके हैं। मर्सी, मर्सी मतलब कंपैशन। टेम मतलब बहादुर, एक तरह, सॉरी बहादुर मैं कह रहा हूँ, टेम मतलब होता है जनरली पालना, राइट, तो डोमेस्टिकेट। एक्वेंट, एक्वेंट मतलब होता है कि किसी चीज से आप रूबरू हो रहे हो या उससे आप उसके बारे में जानकारी ले रहे हो, राइट, सो दैट इज इंट्रोड्यूस। जेन्युइन, ऑब्वियस बात है, देख चुके हैं। चेंज, किसी चीज में बदलाव करना, अल्टर। फोरबोडिंग, फोरबोडिंग मतलब कुछ ऐसा बुरा होने वाला है, राइट, तो अलार्म। रिक्वेस्ट, तो ये तो देख चुके हैं, मांगना, ये तो आसान सा वर्ड है। एडवर्स मतलब हार्मफुल होना। डिजास्टर, सडन नेचुरल कोई चीज, सपोज अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, साइक्लोन आ गया, राइट, तो कोई भी चीज अचानक से, इसको क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं, राइट, इन्हें तो मिसफॉर्चून अच्छा वर्ड है। इंस्टेंट मतलब तुरंत, उसी समय, इमीडिएट। टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट मतलब वायलेंट विंडी स्टॉर्म। डिलीजेंट, डिलीजेंट मतलब बहुत ही ज्यादा केयर से आप काम कर रहे हो, हार्ड वर्किंग हो। रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है कि आपने कि लिमिट लगा दिया, तो प्रोहिबिट, राइट, किसी चीज पे आपने रोक लगा दिया।
एंटिसिपेट, आप किसी चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हो। एबंडेंट, कोई ऐसी चीज जो बहु बहुत बहुतायत मात्रा में अवेलेबल हो, राइट, बहुत ही अवेलेबल, प्लेंटीफुल, अच्छा वर्ड है इसलिए। मेटिकुलस मतलब डिटेल से करना, मेथोडिकल अच्छा वर्ड है। क्वैस, क्वैस जनरली लीगल टर्म्स में होता है, तो बहुत बार आपने देखा होगा एफआईआर जो होता है उसको क्वैस कर देती है हाई कोर्ट, राइट। सपोज आपके खिलाफ कोई केस हुआ, आप कोर्ट्स में गए तो कोर्ट ने कहा नहीं ये तो इलीगल था शुरू से ही, तो बेसिकली वो खत्म हो गया, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना इनवैलिड के तौर। पीटी मतलब किसी के बारे में, किसी के कह लो दुख को देख के आपको दया आ रही है तो पीटी, तो मर्सी एक अच्छा वर्ड है। मोटिव, मोटिव मतलब कह लो इंटेंशन, राइट, कोई काम आप क्यों कर रहे हो, उसके पीछे की वजह क्या है, राइट, सो दैट इज मोटिव। फ्रगल, फ्रगल मतलब होता है कि, अभी देखो एक हमने देखा था वर्ड प्रोडिगल, राइट, तो प्रोडिगल का ये एंटोनिम है, अपोजिट है। प्रोडिगल वो इंसान था जो बिल्कुल ही वेस्ट कर देता है, राइट, अपने रिसोर्सेस या पैसे को, लेकिन फ्रगल उसका अपोजिट है, ये क्या करता है, बहुत ही इकोनॉमिकल है, सोच समझ के खर्च करता है, राइट, इसका सेविंग पे बहुत ज्यादा ध्यान है। इररेजोल्यूट, इररेजोल्यूट मतलब क्या होता है ना, कि जो इंसान अनसर्टेन हो, जो कंफ्यूज हो, जिसको पता ही नहीं हो कि क्या करना, राइट, सो दैट इज अनडिसाइडेड। ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस मतलब काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट में होना, स्केल या इंटेंसिटी, तो रिमार्केबल कह सकते हो। एंगर, एंगर मतलब ऑब्वियसली बात है आपको पता है, ये डिस्प्लेजर कह सकते हो। इररिवोकेबल, इररिवोकेबल मतलब जिसको कि चेंज ना किया सकता हो, अनअल्टरेबल, राइट। कोमोशन, कोमोशन मतलब होता है कि जहां बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा हो। रिपोज, रिपोज मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, स्लीप और ट्रैंक्विलिटी, बेसिकली जहां आप आराम कर रहे हो। एडॉन, तो ऑब्वियस की बात है आपको पता होना चाहिए, एडॉन मतलब किसी चीज को आप सजा रहे हो, राइट, किसी चीज को अच्छा, मोर, यू आर मेकिंग इट मोर ब्यूटीफुल, राइट, और अट्रैक्टिव। कैंसल, ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज को आप हटा रहे हो, कैंसल कर रहे हो। पायस, पायस मतलब रिलीजियस, पवित्र। सीज, रोक देना। डेफर, पोस्टपोन करना। नर्चर, बड़ा करना, राइट, बड़ा किसी चीज को पालना, इस सेंस में करते हो। कंसिडरेट, कंसिडरेट मतलब ये होता है कि कोई इंसान ये केयर करता है कि सामने वाले का दिल नहीं दुखना चाहिए, राइट, तो यू आर कंसिडरिंग हिम, राइट, दैट इज कंसिडरेट। डोसाइल, डोसाइल मतलब ये होता है ना, जो बेसिकली दब्बू, दब्बू एक अच्छा वर्ड है हिंदी में, जिसको आप आसानी से दबा सकते हो, तो सबमिसिव एक अच्छा वर्ड है। एब्यूज, एब्यूज मतलब ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज का आप अनफेयर, अनफेयर यूज कर रहे हो, राइट, तो बहुत बार क्या होता है, जैसे हम लोग ऐसा ऐसा फ्रेज यूज करते हैं, राइट, एब्यूज पावर, राइट, सो कोई कोई इंसान है जो अपने पावर का मिस यूज कर रहा है, सो दैट इज एब्यूज पावर। डिनाई मतलब मानने से इनकार करना। एबॉन्डन मतलब त्याग देना, फॉरसेक। एडवांस मतलब प्रोग्रेस, आगे बढ़ना। इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट मतलब क्या होता है कि कोई बाधा है, राइट, तो कोई काम कर रहे हो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल मतलब बिल्कुल ही जिसमें कहते हो फॉल्ट है ही नहीं, राइट, परफेक्ट। वैसीलेट, वैसीलेट मतलब क्या होता है ना, कि आप एक छोर से दूसरे ओर जाके मूव कर रहे हो, बेसिकली ओपिनियंस भी हो सकता है आपके, आप डिसाइसिव नहीं हो, आप डिसीजन ले पर ये काम करूं या ये काम करूं, राइट, आप उन दोनों के बीच में ही कंफ्यूज हो। इलास्टिक, इलास्टिक मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई शेप है और आपने उसको स्ट्रेच किया, खींचा, और जब आपने छोड़ा, वो फोर्स हटाया, तो वो फिर से उसी शेप में चला गया, पुराने शेप में, राइट, तो फॉर एग्जाम्पल रबर बैंड है तो वो इलास्टिक होता है। प्लास्टिक के लिए आप फ्लेक्सिबल कह सकते हो। ओके, जेनविन पता ही है। एप्रीहेंडेड, एप्रीहेंड मतलब क्या होता है ना, किसी को आप अरेस्ट कर रहे हो, डिजीज का तो कोई इजी सा वर्ड है, इलनेस। एफिशिएंट मतलब किसी काम को आप अच्छे से करते हो, कैपेबल कह सकते हो। कंसील, कंसील मतलब हाइड करना, छिपाना। राइट, राइट का करेक्ट। एग्जॉर्ट, एग्जॉर्ट मतलब पुश करना। ओके, रिपार्टी, रिपार्टी मतलब हुआ कि अब कन्वर्सेशन और स्पीच कैरेक्टराइज बाई क्विक बीटी कमेंट्स और रिप्लाईज। ओके, रिस्पॉन्ड, एक रिस्पॉन्स का अच्छा वर्ड, तो बेसिकली कहीं कोई बातचीत हो रही हो और आप बहुत ही विटी रिप्लाई दे रहे हो, राइट, तो बहुत ही फनी भी हो और बहुत ही लगे कि हाँ बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी दे रहा है, राइट। पोच, पोच मतलब होता है इलीगल हंटिंग। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस बेसिकली कुछ जो आगे होने वाला है उसके बारे में आप एक गेस कह लो, या आप उसको जज कर रहे हो एक तरफ कि हाँ ऐसा हो सकता है, फोरकास्ट। ओके, एस्पियनाज, एस्पियनाज मतलब एस्पियनाज जो काफी फेमस वर्ड है, तो बेसिकली आपका इनिमी कंट्री के ऊपर आप जासूसी कर रहे हो, राइट, जनरली कंट्रीज के सेंस में होता है। कंकरेंस मतलब सहमति, एग्रीमेंट। एनिग्मा, एनिग्मा मतलब ऐसा चीज जिसको डिस्क्राइब करना बहुत ही डिफिकल्ट हो या जिसको समझना बहुत ही मुश्किल हो, तो पजल। ल्यूरिड, ल्यूरिड मतलब प्रेजेंटेड इन विविडली शॉकिंग और सेंसेशनल टर्म्स, तो बेसिकली शॉकिंग कह सकते हो। मियागर, मियागर मतलब कोई ऐसा चीज जो इनएडिक्वेट हो, क्वांटिटी में बहुत कम हो, क्वालिटी में भी कम हो। कैंडिड मतलब फ्रैंक। ओके, ब्लिस काफी ज्यादा खुश होना। डीके, डीके मतलब सड़ना, राइट, डिकम्पोजिशन।
सॉलिटरी मतलब अकेला, लॉनली, कंपैशनेट, कंपैशनेट मतलब क्या होता है कि दूसरों के लिए आप केयर दिखा रहे हो, राइट। तो इसको आप सहानुभूति, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक भी कह सकते हो। कोर्स मतलब रफ, ब्लंडर, ब्लंडर मतलब बहुत बड़ा मिस्टेक, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, एसिड्यूअस कह सकते हो, इसेंशियल, एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ओनस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेजर, खुशी, डिस्वेड, किसी चीज को बेसिकली कोई इंसान के काम करना चाहता है लेकिन आपने क्या किया, उसको मनाया कि ओके ये काम तुम मत करो, ओके। सो ये परसुएड का उल्टा हो गया डिस्वेड, इसका डिस्करेज हुआ। एंग्विश, एंग्विश मतलब बहुत ही ज्यादा दुख, थ्राइव, थ्राइव मतलब हेलो बहुत ही ज्यादा ग्रो करना, तो फ्लरिश अच्छा वर्ड है। कॉन्डोन, कॉन्डोन मतलब माफी करना, ओके। तो अप्रूव या ओवरलुक कह सकते हो, नजरअंदाज करना। पेल ये बकेट के सेंस में होता है। ब्रिस्क मतलब चपल, क्विक। ग्रूसम, ग्रूसम मतलब बहुत ही ज्यादा घिनौना, राइट, तो हीडियस कह सकते हो। पीरियोडिक, रेगुलर। अप्रेज, अप्रेज मतलब इन्फॉर्म करना। सिस्टमेटिकली, सिस्टमेटिकली मतलब मेथडिकल, राइट, किसी चीज को आप मेथड से कर रहे हो, प्रोसेस से कर रहे हो। सोल मतलब इकलौता। कॉर्डियल मतलब काफी फ्रेंडली रिलेशन। इनफॉर्म, इनफॉर्म मतलब होता है कि कोई इंसान जो फिजिकली या मेंटली स्ट्रांग नहीं है, मतलब कमजोर इंसान है, ओके। होलसम मतलब जो कि फुल है, मतलब कह लो इस सेंस में कह सकते हो, जो इंसान जो काफी अच्छे हेल्थ में हो, राइट। साउंड कह सकते हो। एल्योर, एल्योर मतलब होता है कि कोई किसी चीज को लुभाना, राइट, या ऐसा वर्ड आपने सुना होगा, किसी चीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो टेम्प्ट। पेरिस, पेरिस मतलब डाई, जनरली वायलेंट या सडन वे। मैनिया एक मेंटल इलनेस होता है। सुपरफिशियल मतलब जो ऐसा तो लगे कि हाँ सही है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ओके नो दिस इज नॉट करेक्ट, ओके। तो इसको सैलो कह सकते हो, राइट, जो ऊपर से तो आपको लग रहा है ओके ऐसा है लेकिन वास्तव में वो ऐसा है नहीं। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब है कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत सोच समझ के खर्च करता हो, राइट। सो थ्रिफ्टी, कंजूस कह सकता है। एक और हमने वर्ड देखा था फ्रगल, राइट, FRUGL। प्रियम्बल, प्रियम्बल, प्रियम्बल मतलब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, राइट। सो बेसिकली एक तरह से कह सकते हो कोई भी चीज जिसके शुरुआत में आप उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि ओके ये चीज क्यों है, या इसके बारे में, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताते हो आप, राइट। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ स्टैट्यूट और डीड स्टेटिंग इट्स पर्पस एंड जस्टिफिकेशन। तो ये कोई भी चीज, कोई बुक है या कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा जो है, उसमें बताया कि ओके इसका पर्पस क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बना क्यों है, राइट। तो प्रियम्बल उसी होता है। एडवोकेट, एडवोकेट मतलब सपोर्ट करना, ओके। कोलेट, कोलेट मतलब कलेक्टिवली असेंबल करना, बेसिकली जोड़ जोड़ के आपने इकट्ठा किया। रैमपार्ट, रैमपार्ट मतलब होता है डिफेंसिव वॉल और अ कैसल और वॉल सिटी, ओके। तो रैमपार्ट मतलब एक हो गया कि कोई कोई ऐसा शहर है, देखो पुराने जमाने में ऐसा शहर होते थे ना जिसमें किला, किला होता था बाहर से घेरने के लिए, राइट। तो उसका जो डिफेंसिव वॉल है, जिसका कि जो जिसका जो टॉप है वो चौड़ा होगा ताकि उस पर आप चल भी सकते हो, राइट, उसको कहते हैं रैमपार्ट, या इसको पैरापेट भी कहते हैं। ट्रिबुलेशन, ट्रिबुलेशन मतलब है कि बहुत ही ज्यादा सफर करना, ओके। पार्सिमोनी, पार्सिमोनी मतलब कंजूस, एक्सट्रीम लेवल का कंजूस, ओके। माइजरलीनेस। इंसोलेंट मतलब बिल्कुल ही आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ही घमंड आप दिखा रहे हो, रूड तरीके से बिहेव कर रहे हो, दैट इज इंसोलेंट। इनोक्यूस मतलब हार्मलेस, आपके कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इंजीनियस, इंजीनियस मतलब इनोसेंट एंड अनसस्पेक्टिंग, बेसिकली आप निर्दोष हो। बैफल, बैफल मतलब टोटल बीवल्डर और परप्लेक्स, मतलब आप बिल्कुल ही कह लो बिल्कुल ही आप चकित रह गए, राइट। अपेक्स मतलब क्या होता है, शिखर, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, तो ये अचीवमेंट के सेंस में भी हो सकता है, कोई जैसे हम जैसे माउंट एवरेस्ट, राइट, तो इस टाइप से भी आप अपेक्स यूज कर सकते हो, मतलब किसी भी चीज का टॉप पे। एकम्प्लिश मतलब प्राप्त करना। प्रोट्रूड मतलब क्या होता है ना, एक सरफेस से ऊपर की तरफ उठना, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस है, यहां से ऐसे ऊपर उठान की तरफ मान लिया हो गया, ऐसा यहां जाके उठा हुआ है, तो एक्सटेंड बियॉन्ड और एबव सरफेस, तो इसको बल्ज, बल्ज कहते हैं ना कहीं पे अगर उठान हो तो। असॉल्ट, असॉल्ट मतलब होता है किसी पे फिजिकली अटैक करना। एनग्रॉस, एनग्रॉस मतलब एब्जॉर्ब करना। सॉलिटरी मतलब लॉन्ली, अकेला। एंटागनिस, एंटागनिस मतलब ये होता है जो, जो देखो जनरली मूवी में होता है, राइट, विलेन के सेंस में होता है, तो ऐसा इंसान जो आपका अपोनेंट है या अपोजिट है। मंडेन, मंडेन मतलब बिल्कुल ही बोरिंग काम, ओके, ऑर्डिनरी। एडवर्सिटी मतलब एक डिफिकल्ट या अनप्लीजेंट सिचुएशन, मतलब आपके लिए बुरा हो रहा हो, राइट। डिमाइस, डिमाइस मतलब डेथ। अस्पूरियस, अस्पूरियस मतलब फेक कह सकते हो, जाली। वैनिस मतलब गायब हो जाना, डिसअपीयर। कोर्स मतलब रफ। डिटर मतलब रोकना किसी चीज को होने से। हर्डल मतलब ऑब्स्टिकल मतलब बाधा। बारबेरिक मतलब अनसिविलाइज्ड। क्लैंडेस्टीन मतलब सीक्रेट। एक्सटेसी मतलब जॉय।
फिच, फिच मतलब लाना, ओके, ब्रिंग। पैसिफिक, पैसिफिक देखो प्रशांत बोलते हैं ना, जो पैसिफिक ओशन है, मतलब उसका जो कह लो बिहेवियर है वो बिल्कुल शांत जैसा, राइट, तो पीसफुल। सॉलिटरी मतलब अकेला, एब्सर्ड मतलब बिल्कुल ही रिडिकुलस, मतलब ऐसा चीज जो जिसके कोई आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अच्छा ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ही इलॉजिकल और इनअप्रोप्रिएट, रिडिकुलस। कियोस्क, कियोस्क क्या होता है ना, एक छोटा सा, हम लोग क्या करते हैं बहुत बहुत बार, एक छोटा सा शॉप क्या कह लो बनाते हैं, जहां पे आप कुछ सामान ले सकते हो, राइट, तो इसको स्टोर भी कह सकते हो। मिमिक मतलब कॉपी करना, ट्वाइल मतलब हार्डवर्क करना, एस्क्रिप्शन मतलब एट्रीब्यूट, बेसिकली किसी चीज को किसी चीज को आप एट्रीब्यूशन दे रहे हो, राइट, कि हाँ ये चीज यहाँ से मैंने लिया है। एब्जॉल्व मतलब दोष मुक्त करना, किसी चीज को आप डिक्लेयर कर दो, फ्री कर दो कि हाँ ये गिल्ट, ये पनिशमेंट अब इसको नहीं मिलेगा, राइट। एक्विट, एक्विट आपको पता ही होना चाहिए, एक्विट बहुत ही कॉमन वर्ड है। एब्जॉल्व भी आपको पता होना चाहिए। एबेरेशन मतलब लीक से हट के, कोई भी चीज जो जनरल पाथ है उससे आपने आप हट गए हो, तो दैट इज एबेरेशन। अस्टर्न, अस्टर्न मतलब बहुत ही ज्यादा कह लो, बहुत ज्यादा सीरियस या बहुत ज्यादा अथॉरिटी में डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना, राइट, स्ट्रिक्ट कह लो। सीटाडेल, सीटाडेल मतलब किला हो गया, फोर्ट्रेस, राइट, जनरली वो सिटी के ऊपर होता है। इरुडाइट मतलब बहुत ही नॉलेजेबल आदमी, उसको स्कॉलरली कह सकते हो। रेवर, रेवर मतलब किसी चीज की बहुत ज्यादा इज्जत करना, रिपीटेड मतलब रीइटरेट, बार बार उसी चीज को दोहराना। डिराइव, डिराइव मतलब किसी चीज से, कोई सोर्स से वहां से आपने निकाला है उसको। सेलेसियस, सेलेसियस मतलब क्या होता है ना, ये इसको आप लस्टफुल कह सकते हो। ओके, हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन मतलब हो गया डिल्यूजन, मतलब जो चीज वास्तव में है नहीं लेकिन वो आपको लग रहा है वो रियल है, दैट इज हेलुसिनेशन। लैबरिंथ, ये तो अच्छा वर्ड है, लैबरिंथ, ओके, अ कॉम्प्लिकेटेड इररेगुलर नेटवर्क ऑफ पैसेजेस और पाथ इन विच इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वंस वे ऑफ मेज। ओके, बेसिकली अपने आपकी वो सांप सीढ़ी का जो खेल होता है, या एक ऐसा आपने पजल देखा होगा ना, जिस टाइप से गोल गोल इस टाइप से होता है, आपको पता नहीं चलता अच्छा रास्ता किधर से, राइट, कंफ्यूज जो कर देते हैं लोग, दैट इज लैबरिंथ। बेसिकली ये मेज है, मेज जहां पे आपको पाथ ढूंढना मुश्किल है, तो इसको कहते हैं मियंडरिंग। टिंसल, टिंसल मतलब एक ऐसा डेकोरेशन, जनरली हम लोग साइनी, एक छोटा सा उसका साइनी मेटल का यूज करते हैं, दैट इज डेकोरेशन आप कह सकते हो रफ सेंस में। गैरलस मतलब बहुत ही ज्यादा बात करने वाला इंसान, राइट, एक हमने बर्ड देखा था लोकैसियस, राइट, सो दैट इज गैरलस। कैटेस्ट्रॉफी, कैटेस्ट्रॉफी मतलब एक ऐसा इवेंट जिसके बहुत ही सडन, जिसके कारण आपको डैमेज हुआ हो, राइट, आपदा कह सकते हो। हैप्पीनेस मतलब ब्लिस, ग्रीट मतलब वेलकम, राइट, गैदर, गैदर मतलब एक साथ कम टुगेदर, राइट, सो कॉन्ग्रीगेट। ओके, लेट्स मूव अहेड। ह्यूमरस, ह्यूमरस मतलब हुआ बहुत ही ज्यादा फनी। हार्ड, हार्ड मतलब डिफिकल्ट। एमिलियरेट मतलब किसी चीज को सुधारना, ओके, दैट इज इंप्रूव। इनवॉइस, इनवॉइस मतलब इनवॉइस रिसिप्ट होता है ना, कोई सामान आपको मिला है तो उसका जो बिलिंग होगा वो इनवॉइस होगा। कंज्यूरर, कंज्यूरर मतलब जो जादूगर, तो मैजिशियन। वीनल, वीनल मतलब होता है कोई चीज जो जिसमें आप बराबरी कर सकते हो, जिसमें, राइट, घुस, जो घुस जहां पे घुस का कह लो स्कोप हो, दैट इज करप्ट, राइट। एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मतलब कोई चीज जो नॉर्मल से हटके हो, अननेचुरल। मास्टरी मतलब अथॉरिटी। डिल्यूजन ऑब्वियसली आता है, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन मतलब कोई ऐसा चीज जो है ही नहीं वास्तव। लॉजिकल, रैशनल, जो चीज लॉजिक से एक्सप्लेन कर सकते हो। थ्रिफ्टी, कंजूस। एडमोनिशन मतलब वार्निंग, राइट। इवेड मतलब भाग जाना किसी बुरे सिचुएशन से। इम्पेट्यूस, इम्पेट्यूस मतलब होता है एक्टिंग और डन क्विकली विद और विदाउट केयर, राइट, हैस्टी, सो बेसिकली कोई ऐसा काम जो बहुत ही जल्दबाजी में किया गया हो। प्रीटेंड मतलब आप कह रहे हो, प्रीटेंड मतलब क्या होता है ना, कि आप बेसिकली नकल कर रहे हो, या इसको इमेजिनरी कह सकते हो, राइट। पीन, पीन इसके लिए अच्छा वर्ड है। एंग्विश्ड, एंग्विश्ड मतलब होता है एक्सप्रेसिंग और सीवियर, सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन, ओके, सॉरोफुल, बेसिकली आप बहुत ही ज्यादा दुख में हो। वाइली, वाइली मतलब होता है कि आप चालाक, चतुर, चपल, ओके, दैट इज वाइली। टेमेरिटी, टेमेरिटी मतलब होता है एक्सट्रीम लेवल का बोल्ड, कोई इंसान इतना बहादुर हो कि वो किसी चीज से ना डरे, दैट इज टेमेरिटी, और इसको ऑडिसिटी भी कह सकते हो। मास्टरी, ऑब्वियसली बात है, किसी चीज पे आपका अथॉरिटी है, किसी चीज का आपको नॉलेज है, राइट। रिडीम, रिडीम मतलब होता है कि आप एक तरह से आपने खुद को किसी इविल, इविल से बचा लिया होगा, राइट, किसी बुरे चीज से। एनकाउंटर मतलब किसी चीज से मिलना, राइट, फेस करना। फ्लंग, फ्लंग मतलब होता है ना कि किसी चीज को आपने फेंक दिया हो जबरदस्ती दूर तक, दैट इज थ्रो। वैलियंट, वैलियंट मतलब होता है जो बहादुर हो, करेजियस। लंप मतलब होता है मोटा, राइट, सो फैट कह सकते हो। ट्रांजियंट, ट्रांजियंट ऐसा चीज है ना जो बहुत ही क्षणिक कह सकते हो, राइट, क्षण भंगुर टाइप का, जो बहुत ही कम देर तक हो।
फ्यूरी, फ्यूरी मतलब होता है वाइल्ड और वायलेंट एंगर, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करना। टैकी टर्न मतलब होता है कि कोई इंसान जो बहुत ही साइलेंट रहता हो, अच्छे कह लो अपने आप को ज्यादा एक्सप्रेस ना करता हो, राइट। वंडर, वंडर मतलब रोम करना, इधर से उधर घूमना। कैंटेंकरस हम लोग देख चुके हैं, झगड़ालू। वोकेशन, वोकेशन मतलब होता है कि एक पर्सन का एक ऐसा एम्प्लॉयमेंट या मेन ऑक्यूपेशन जो जिसमें डेडिकेशन लगता हो, राइट। सो ऑक्यूपेशन कहेंगे। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब जो बहुत ही ट्रूथफुल और सिंसियर हो, अपराइट। ऑब्स्ट्रेपरस मतलब नॉइजी और डिफिकल्ट टू कंट्रोल, अनरूली कह सकते हो, मतलब बहुत ही ज्यादा नॉइज हो जिसको रोक ही नहीं सकते हो आप। एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट मतलब फ्री करना किसी चीज को किसी डिफिकल्टी से। क्रेडिबल, क्रेडिबल मतलब भरोसे के लायक, बिलीवेबल, जिसपे आप भरोसा कर सकते हो। वोरेसियस, वोरेसियस मतलब होता है बहुत ही ज्यादा लालची इंसान, ओके, सो दैट इज ग्रीडी। ट्रांजियंट, ट्रांजियंट मतलब होता है जो बहुत ही छोटे समय के लिए हो, राइट, सो फ्लीटिंग। सिंटिंग, सिंटिलेटिंग, स्पार्कलिंग और शाइनिंग ब्राइटली, ग्लिटर करना। सो बेसिकली कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा चमक रही है। ह्यूमेन, ह्यूमेन मतलब जिसमें आपको सिंपैथी हो, राइट, यहाँ कंपैशन हो, बेनेवोलेंस हो। कैनी, कैनी मतलब होता है जहाँ पे आप थोड़े चालाक कह लो, थोड़े आप चालाकी दिखाते हो, राइट, सो क्लेवर। टेपिड, टेपिड मतलब जो बहुत ही कम वार्म हो, राइट, जो बहुत ही कम गर्म हो, तो वार्म कह सकते हो, ल्यूक वार्म कह सकते हो। एफ्लुएंट, एफ्लुएंट मतलब जो अमीर हो। पेंचांट, पेंचांट मतलब क्या होता है ना, किसी चीज के प्रति आपकी बहुत ही ज्यादा कह लो पसंद हो, कोई चीज जो, फॉर एग्जाम्पल कोई फूड हो सकता है, कोई हैबिट हो सकता है, या कुछ भी जो कोई चीज होता है ना जिसके जो आपको बहुत ही ज्यादा खुशी देता हो, राइट, दैट इज पेंचांट। एक्सॉर्बिटेंट, एक्सॉर्बिटेंट मतलब क्या होता है ना, बहुत ही ज्यादा महंगा, एक्सेसिव। क्राफ्टी, क्राफ्टी मतलब क्लेवर होना। डिफिडेंट, डिफिडेंट मतलब मोडेस्ट या साई होना, और उसका कारण क्या है कि आपके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं। इलास्टिक हम लोग देख चुके हैं। एसेस करना, एसेस करना मतलब इवेल्युएट करना। एब्ज्योर, ये अच्छा वर्ड है, और एब्ज्योर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को त्यागना, राइट। कैटेस्ट्रोफी ये देख चुके हैं। स्कॉन, स्कॉन मतलब किसी चीज को बहुत ही ज्यादा नफरत करना, डिस्पाइज। ऑगस्ट, डिग्निफाइड। पेरिल, डेंजर। एफ्लुएंट हम लोग देख चुके हैं, मतलब प्रोस्पेरस का अच्छा वर्ड है, मतलब काफी अमीर होना। ब्रूटलाइज मतलब किसी चीज को बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचाना। पिनेकल मतलब शिखर। गैबल, नॉट गैबल, गार्वल, गार्वल मतलब रिप्रोड्यूस अ मैसेज साउंड ट्रांसमिशन इन अ कंफ्यूज और डिस्टॉर्टेड, ओके, सो कंफ्यूजिंग सेंस में। कन्वालेसेंस, कन्वालेसेंस मतलब क्या होता है, आपको, आप बीमार थे, अब जो रिकवरी टाइम जो आपका लग रहा है या जो आप रिकवर कर रहे हो, ठीक हो रहे हो, उसको कन्वालेसेंस कहते हैं, राइट, तो रिकवर्ड अच्छा वर्ड है। इनसिपिड मतलब होता है कि टेस्टलेस, ओके, या ब्लैंड मतलब बिल्कुल ही जो बोरिंग महसूस हो। पोरस, पोरस मतलब छिद्रयुक्त, राइट, सो बहुत सारे सरफेसेस होते हैं जिसमें स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं, राइट, सो पोरस। तो परमिएबल अच्छा वर्ड है। एमिकेबल मतलब फ्रेंडली, ओके, लेट्स गो अहेड। पेरियूज, पेरियूज मतलब क्या होता है, किसी चीज को बहुत ही डिटेल से समझना, बहुत ही केयरफुली, राइट, सो एग्जाम में। इम्पर्वियस, इम्पर्वियस मतलब क्या होता है, जिससे आप आसानी से नहीं गुजर सकते जिसके थ्रू, राइट, जनरली लिक्विड के सेंस में, तो इनपेनेट्रेबल। इम्पेकेबल ऑब्वियसली बात है, फ्लॉलेस मतलब बहुत ही ज्यादा परफेक्ट, इवेंचुअली मतलब इन द एंड ऐसा होगा ही, फाइनली आप कह सकते हो। परसिस्ट, परसिस्ट मतलब कंटिन्यू करना। जैबर, जैबर मतलब होता है कि बहुत ही तेजी, एक्साइटेड, और ऐसे बोलना कि जो आपको समझ भी ना आ, दैट इज चैटर। मियांडर, फॉलो अ विंडिंग कोर्स ऑफ अ रिवर और रोड, कर्व, सो बेसिकली कर्व की तरीके से मूव करना। ट्रांसमिशन, ऑब्वियसली बात है, द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग समथिंग, बेसिकली आप कन्वे कर रहे हो कोई चीज, तो कन्वेयंस अच्छा चीज है। यार्न, यार्न क्या होता है ना, कोई चीज आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है लेकिन वो चीज आपको अभी तक मिली नहीं है, राइट, या कह लो कोई ऐसी चीज थी जो आपको बहुत पसंद थी लेकिन वो चीज आपसे खो गई हो, राइट, तो क्रेव इसके लिए अच्छा वर्ड थी। एडेक्वेट मतलब सफिशियंट होना। परसिवियर, परसिवियर मतलब ये होता है कि किसी चीज को पाने के लिए आप बिल्कुल ही उसके पीछे लगे पड़े हो, राइट, उसको आपने छोड़ा ही नहीं है, तो परसिवियर। अस्पोराडिक, अस्पोराडिक मतलब इनरेगुलर इंटरवल पे होना, मतलब कभी आज हुआ है, फिर मान लो 3 दिन बाद हुआ हो, राइट, मतलब उसमें कोई पैटर्न आप नहीं ढूंढ पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल रेन हो रहा है, आपको इसी पर्टिकुलर सपोज जुलाई के महीने में रेन है, आपको बस उसमें लेकिन पैटर्न नहीं मिलेगा कि ये हर तीसरे दिन पे रेन होगा, राइट, तो ये क्या होगा, छिटपुट, छिटपुट कहते हैं ना इसको हिंदी, उस सेंस में आप कह सकते हो। स्कैटर्ड भी अच्छा वर्ड है उसके लिए, स्पोरेडिक के लिए। विवेसियस, विवेसियस मतलब होता है बिल्कुल ही जो एनिमेटेड हो, राइट, जिंदा दिल जिसको कहते हैं। प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन मतलब कोई चीज जो आपने सजेस्ट किया हो, जैसे कोई प्लान, कोई स्कीम कह लो, तो प्रोपोजल अच्छा वर्ड है। पेटिशन मतलब होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट, ओके, तो अपील कह सकते हो। एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, ओके। फॉरसेकन मतलब त्याग दिया ना,
कैंडिड मतलब ऑनेस्ट, क्यूरियस, क्यूरियस मतलब किसी चीज को जानने की इच्छा होना, इंक्विजिटिव, आर्डुअस, आर्डुअस मतलब क्या होता है ना, जो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो काम करना, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा उस चीज के लिए। क्या होता है सैम, सैम मतलब फेक, फ्यूटिलिटी मतलब बिल्कुल यूजलेस होना, गाइल, गाइल मतलब स्लाई कह सकते हो या कनिंग होना, ओके, जेलस, जेलस मतलब किसी चीज से जलना, ओके, एनवी का, एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब होता है जो बहुत ही बड़े स्केल पे फैला हुआ डिजीज, राइट, रिटेलिएट मतलब बदला लेने के सेंस में, अवेंज, ओके, लेट्स मूव अहेड, कंपनसेट, कंपनसेट मतलब मेकअप फॉर, सो बेसिकली मुआवजा के सेंस में कह सकते हो, राइट, कोई चीज जनरली कोई अगर आपको लॉस हुआ तो उसके बदले आपको बदले मुआवजा दे दिया जाता है, राइट। ट्रांजिएंट मतलब ये हम लोग देख चुके हैं, टेम्पररी सेंस में होता है, क्विकन मतलब तेज करना, एक्सलरेट, गलीबिलिटी, गलीबिलिटी मतलब क्या होता है ना, कोई इंसान जो बिल्कुल ही मूर्ख हो, राइट, जो बहुत ही जिसको मूर्ख बनाना आसान हो, राइट, तो जिसके पास सोशल इंटेलिजेंस नहीं है, जिसमें आप आसानी से किसी को धोखा दे सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। एमिट मतलब प्रोड्यूस एंड डिस्चार्ज, ओके, कोई चीज जिससे निकल रही हो तो लाइट इमिट कर रहा है किसी। ह्यूमिलिएशन मतलब बेइज्जत होना, ट्रेडिस होना। स्नूज, तो स्नूज क्या होता है ना, छोटा सा नींद। पिसीच, पिसीच मतलब क्या होता है कि किसी को बेग करना, बेसिकली आप किसी से मांग रहे हो अर्जेंटली आपको पैसा चाहिए या कुछ, कोई किसी भी सेंस में कह सकते हो, कोई चीज आपको चाहिए अर्जेंटली, राइट, सो बीसीच। अस्पर्यस, अस्पर्यस मतलब जाली। ऑसीफाई, ऑसीफाई देखो एक अच्छा वर्ड है, इसमें क्या होता है ना, ये बोन की तरह कड़ा हो जाना किसी चीज का, ओके। एमेलिएट मतलब सुधारना, ड्विंडल मतलब डिमिनिश करना, धीरे धीरे कमजोर होना, गिरना। लेटेंट, लेटेंट मतलब कोई चीज एग्जिस्ट तो करती है बट वो फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, एक तरह से वो हिडन हो, छुपी चीज है, राइट, तो आपने लेटेंट हीट का नाम सुना होगा। पिक्यूलियर, पिक्यूलियर मतलब क्या होता है, जनरली जो हमारा नॉर्मल होता है उससे हट के, राइट, तो स्ट्रेंज कह सकते हो। टेनेट, टेनेट मतलब होता है एक अ सेट ऑफ बिलीफ, जिसमें आप जनरली विश्वास करते हो, जनरली रिलीजियस सेंस में होता है, तो बिलीफ कह सकते हो। रिपील, रिपील मतलब जिसको आपने हटा दिया हो, राइट, जिसको आपने कैंसिल कर दिया हो। ओडियस, ओडियस मतलब होता है बहुत ही बिल्कुल ही हेटफुल। अवांडन मतलब त्याग देना, फॉरसेक, गार्निश हम लोग देख चुके हैं, सजाना। एडमोनिस मतलब किसी को रिप्रेमेंड करना, राइट, डांटना, फटकारना। प्रोफिशिएंट मतलब किसी चीज में बहुत ही निपुण होना, कुशल होना। टिरेड, टिरेड मतलब क्या होता है, एक लंबा सा स्पीच देना, गुस्से भरा, जिसमें आप किसी चीज, किसी की निंदा कर रहे हो या किसी का आरोप लगा रहे हो, दैट इज रैंट, राइट, रैंट वर्ड आपने सुना होगा। सीनुअस, सीनुअस मतलब क्या होता है, सांप की तरह जिसमें बहुत सारे कर्व्स हों, कर्व्स, ओके। वाइबल, वाइबल मतलब जिस, वाइबल को वर्केबल भी कहते हैं, वाइबल मतलब होता है कि किसी चीज को आप सक्सेसफुली कर सकते हो। एरेनियस, एरेनियस मतलब रॉन्ग। विसरल, विसरल मतलब क्या होता है, तो क्या होता है विसरा, क्या होता है इंटरनल ऑर्गन होता है, ओके, जनरली क्या होता है ये आप कह सकते हो इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड कोई चीज, तो विसरल, ओके, लेट हेड। ऑपुलेंट, ऑपुलेंट मतलब जो बहुत ही ज्यादा अमीर हो लेकिन उसमें दिखावा भी होना चाहिए। एंटरप्राइजिंग, एंटरप्राइजिंग मतलब होता है हैविंग और शोइंग इनिशिएटिव एंड रिसोर्सफुलनेस, ओके, बेसिकली एंटरप्राइजिंग का मतलब ये होता है कि आप नए नए तरीके ढूंढ लेते हो किसी काम को करने। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट मतलब जो होता है ना, बहुत ही जल्दी सेटिस्फाई हो जाता हो। रिकैपिटुलेशन, रिकैपिटुलेशन मतलब होता है किसी चीज को आप समराइज कर रहे हो, ओके, समरी दे रहे हो, तो रिकॉल कह सकते हो। वेरी सिमिलिट्यूड मतलब किसी चीज के जैसा ही, मतलब ऐसा लगना कि ये ऑथेंटिक हो, राइट, वेरी सिमिलिट्यूड। कंजेक्चर, कंजेक्चर मतलब एक ऐसा ओपिनियन तो सिर्फ गेस या कह लो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के आधार पर हो, राइट, मतलब कंजेक्चर है, राइट। एनहिलेट, एनहिलेट मतलब किसी को बिल्कुल ही बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय करना। क्वेरी, क्वेरी क्या होता है ना, जनरली जहां पे आपने देखा होगा, जहां से हम लोग पत्थर निकालते हैं या मार्बल निकालते हैं, तो वहां क्वेरी, उस क्वेरी कहते हैं। इंटरफेरेंस मतलब बाधा पहुंचाना। करिश्मा, करिश्मा मतलब चार्म होना। पोडियम को डायस भी कहते हैं, पोडियम मतलब जहां पे खड़े होकर लोग बोलते हैं। इनसेन मतलब पागल, मैड। इनजेनुअस मतलब होता है इनोसेंट या अनसस्पेक्टिंग, जो बिल्कुल ही इनोसेंट इंसान हो। डैम मतलब वेट, भीगा। रिसर्जेंस, रिसर्जेंस मतलब किसी चीज को फिर से जगाना, राइट, रिन्यूअल करना। बोर्ड, अ लॉन्ग थिन प्लेट पीस ऑफ बोर्ड और हार्डर हार्ड मटेरियल, तो ये प्लैंक कह सकते हो, बेसिकली लकड़ी का बड़ा सा पट्टा जिसको कह सकते हो। प्यूम, स्प्यूम मतलब होता है फ्रॉद और लोम, झाग जहां पे होता है, राइट। पेरूज, पेरूज मतलब किसी चीज को अच्छे से फॉलो करना या देखना, दैट इज रीड। डिमिनिस मतलब कमजोर होना, गिरना, कम होना। फ्रगल मतलब कंजूस होना, इकोनॉमिकल। प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट में क्या होता है ना कि डायरेक्ट हम लोग वोटिंग कर देते हैं, राइट, तो
आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं खड़े होते हैं, बेसिकली कोई कोई चीज के बारे में फैसला लेना है तो हर आदमी वोट करेगा डायरेक्टली। एफईजी मतलब स्कल्पचर और मॉडल ऑफ अ पर्सन, सो इसको डमी कह सकते हो, किसी इंसान का कह सकते हो पुतला टाइप का। ओके प्री डिलेक्शन अच्छा वर्ड है, प्री डिलेक्शन मतलब क्या होता है ना, किसी चीज के प्रति आपका बहुत ही स्पेशल लाइकिंग हो, या कह लो आप किसी चीज के प्रति बायस्ड हो कि हाँ ये चीज मुझे ज्यादा पसंद है, तो प्रेफरेंस कह सकते हो। डिवाउट, डिवाउट मतलब बहुत ही ज्यादा भक्त टाइप का होना, तो पायस। बेन, बेन मतलब होता है कि कर्स, मतलब कह सकते हो कि जिसके कारण आपको बहुत ही ज्यादा एनॉय महसूस होता है, या डिस्ट्रेस, या मतलब जिसके कारण बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज मतलब अपने ग्रुप से निकाल दिया। बम्प्टियस, बम्प्टियस मतलब बहुत ही ज्यादा कह लो सेल्फ असर्टिव है, बहुत ज्यादा कह लो दबाने वाला इंसान, राइट, सो बम्प्टियस। ड्रिजल, ड्रिजल मतलब लाइट रेन, राइट। इनएविटेबल, इनएविटेबल मतलब ये तो होके ही रहेगा, राइट। एनॉर्मस, एनॉर्मस मतलब बहुत ही बड़ा। रेक्टिफाई मतलब सही करना। ऑनर मतलब रिस्पेक्ट करना। फेलिसिटेटेड मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करना। एक्वायर मतलब प्रोक्योर, मतलब बेसिकली आप उसको पा रहे हो। एनॉय मतलब ऑफेंड करना हो गया। मिस्टेक मतलब गलती, तो एरर। फिल्दी तो मतलब बहुत ही ज्यादा गंदा। वोकेशन मतलब आपका काम हो गया बेसिकली। लिम्पिड कंप्लीटली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, इसको क्लियर भी कर सकते हो। गॉर्मेट, गॉर्मेट मतलब क्या होता है ना, जो जनरली खाने के सेंस में होता है, इसको आप कह सकते हो कोई कोई ऐसा इंसान जो अच्छे खाने का शौकीन हो, इसको गैस्ट्रोनोम भी कह सकते हो। मर्ज मतलब मिलाना, तो ब्लेंड अच्छा वर्ड है इसके लिए, इजी वर्ड है। क्रूसेड, तो क्रूसेड ना जनरली अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री, तो दो जनरली रिलीजियस ग्रुप्स में धर्म के लिए लड़ाई हुई थी, राइट, सो उसको क्रूसेड कहते हैं, इसको कैंपेन कह सकते हो आप। लाउजी मतलब बहुत ही बुरा या खराब के सेंस में, तो ऑफुल कह सकते हो। रिजल्ट, रिजल्ट मतलब आउटकम। इनविंसिबल मतलब वो इतना पावरफुल है कि इसको आप हरा नहीं सकते, तो इसको अनअसेलेबल कह सकते। मेस्ट्रो मतलब उस्ताद, राइट, तो कोई ऐसा इंसान जो किसी पर्टिकुलर स्किल में कह सकते हो वो डिस्टिंग्विश्ड है। चेस्टाइज, चेस्टाइज मतलब किसी किसी का बहुत ज्यादा निंदा करना, तो अपब्रेड। पॉन, पॉन मतलब क्या होता है ना, प्यादा कह सकते हो, सो बेसिकली किसी पर्पज के लिए किसी को यूज कर लेना, राइट, तो पॉन कहते हैं इसको। ड्यूप। पीवर मतलब कमजोर। कॉन्सॉर्ट, कॉन्सॉर्ट मतलब क्या होता है ना, कोई पार्टनर आपके सेंस में कहता है, कोई वाइफ, हस्बैंड, या कोई कंपेनियन, राइट। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब द क्वालिटी ऑफ अ स्टेट ऑफ बीइंग करेक्ट और प्रिसाइज, प्रिसीजन। जेन्युइन मतलब ऑथेंटिक। रेवेन्यू मतलब जो पैसा, इनकम के सेंस में कहता है, तो क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब लॉन्ग और आर्डुअस सर्च फॉर समथिंग, तो सर्च। जेलस मतलब एनवियस, जलना। डिजल्ट्री, डिजल्ट्री मतलब लैकिंग अ प्लान और पर्पस, ओके स्ट्रगल। डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग होना, इंडस्ट्रियस। इटर्नल मतलब जो हमेशा चलेगा। स्ट्रॉल मतलब वॉक। ब्रूटल मतलब सेवेज। रेवेल, रेवेल मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा खुश हो तो उसको नॉइज के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हो। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब कोई कठिन सिचुएशन, राइट, कोई आपके साथ बुरा हो गया हो, कोई हेल्थ सिचुएशन आ गया हो, तो माइजरी कह सकते हो, दुख दर्द। डिवास्टेशन मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, मतलब बिल्कुल ही बर्बाद हो गया हो। पेनेकिया मतलब रामबाण इलाज, हम लोग देख चुके हैं। इंसोलेंट, इंसोलेंट मतलब क्या होता है ना, कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल ही रूड हो आपके प्रति और बिल्कुल ही रिस्पेक्ट ना दे रहा हो, तो ऑफेंसिव कह सकते हो। एनिग्मा तो हम लोग देख चुके हैं, एनिग्मा मतलब क्या होता है, किसी ऐसी कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा इंसान जिसको समझना बहुत मुश्किल हो, तो रिडल। एस्टिमेटेड मतलब बर्बाद करना। रिवाइल, रिवाइल मतलब क्रिटिसाइज इन एन एब्यूजिव और एंग्री इंसल्टिंग मैनर, ओके, तो बेसिकली एब्यूज मतलब आप किसी चीज की निंदा भी कर रहे हो लेकिन आप गाली भी दे रहे हो। पीनियल, डिनोटिंग अ सिन दैट इज नॉट रिगार्डेड एज डिप्राइविंग द सोल ऑफ डिवाइन पार्डनेबल, सो बेसिकली एक ऐसी गलती जिसको माफी की जा सकती है, तो जो माफी के लायक है पार्डनेबल। रेक्टिफाई मतलब करेक्ट, सुधारना। इम्पैकेबल, इम्पैकेबल मतलब इसमें कोई भी गलत ना हो, गलती ना हो, फॉल्टलेस। कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेन मतलब कह सकते हो, कंस्ट्रेंट्स वर्ड आपने सुना ही होगा, राइट, कंस्ट्रेन मतलब जिसमें जो जो आपके पास कह लो मजबूरी है आपके पास, राइट, इसके कारण आपको पर्टिकुलरली कुछ दूसरा एक्शन लेना पड़ रहा है, तो कंस्ट्रेंट। लिथार्जिक मतलब लेजी। आर्डुअस मतलब कोई ऐसा चीज जो बहुत ही बोरिंग और बहुत ही डिफिकल्ट करना हो, तो स्ट्रेनुअस। बोरिंग नहीं कहना सही वर्ड होगा, बेसिकली इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगे। रिसेप्टेबल, रिसेप्टेबल मतलब कह सकते हो अ हॉलो ऑब्जेक्ट यूज टू कंटेन समथिंग, तो कंटेनर, सो बेसिकली रिसेप्टेबल मतलब कोई ऐसा खाली सा डब्बा या कोई वस्तु जिसमें आप कुछ डाल सकते हो, राइट, सो दैट इज रिसेप्टेबल। तो हम लोगों ने देख लिए सारे, आई थिंक सो टोटल कितने हैं, टोटल 600 वर्ड्स थे, और सारे काफी इंपॉर्टेंट थे, राइट, तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत ही ज्यादा चांस है कि आपको रिपीट होने के रहेंगे चांसेस हैं, राइट, सो ये प्रीवियस ईयर पास्ट कहीं ना किसी कम्पिटेटिव एग्जाम से आए क्वेश्चंस हैं, तो ये दोनों एग्जाम अगर आप महाराष्ट्र सीटी और ये सीयूटी पीजीएम भी दे रहे हो तो दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो का पूरा देख के जाओ, और देख के जाओ तो आपको याद भी रह जाएगा, ठीक है, अगर
पीडीएफ से करना चाहोगे तो सही नहीं। ओके, तो इसी तरीके का मैं अगर होगा तो मैं एंटोनिम्स का भी वीडियो बनाऊंगा, आप चैनल पे चेक कर लेना अगर आपको इसका एंटोनिम्स का भी वीडियो चाहिए तो, मोस्ट प्रोबली मैं डाल दूंगा। और साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ और भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे, अराउंड 500 इम्पोर्टेंट वर्ड्स, इस टाइप के और भी वीडियोज आएंगे राइट, तो आप उनको देख लेना एग्जाम से पहले। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसको शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं राइट, और हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।